16 सालों से हर महीने पूर्णिमा के दिन अपने हाथों से माला बनाकर मैं भगवान को पहनाते आ रहा हूँ। पता नहीं भगवान मेरी कब सुनेंगे। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। 16 साल पहले मेरा परिवार बिखर गया। मेरा परिवार एक हो जाए यही चाहता हूँ। विदेश में रहने वाली मेरी बेटी और पोती वापस इस गांव में आ जाएं। Isn't that so cool? What a present, Mom. Thank you so much. तूने कहा था distinction से पास होगी। अब मैंने तुमसे पहले promise किया था। जो तुमने पसंद किया वो मैंने gift कर दिया। अभी ये बताओ, तुम्हारे क्लास में एक इंडियन लड़का है ना, उसका नाम तो कौन है वो? थोड़ा लंबा है वो। अच्छा, अरविंद। मम्मी, आप घूम फिर कर फिर उसी बात पर आ जाती हो। आपको लगता है कि मुझे किसी से प्यार है? नहीं बेटी, पढ़ाई पूरी हो चुकी। एक अच्छे से लड़के को देखकर तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मम्मी, मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ही पसंद करेंगी। बैंकॉक में रहने वाले हिंदू परिवारों में से आप हैं। मुझे आप लोगों से संबंध जोड़ने में बहुत खुशी होगी। आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, ये हमारे लिए खुशी की बात। शादी तो इंडिया में कोयंबटूर के नजदीक हमारे गाँव में ही होगी। मैडम, शादी में तो अभी समय है, आप बहुत जल्दी आ गई। अभी की शादी होने से पहले नवग्रह की पूजा करना बहुत जरूरी है, ऐसे ज्योतिष ने बताया, इसलिए हम पहले ही आ गए। मैडम, आप और अभी को अगर मंदिर जाना हो तो मुझे एक घंटे पहले बता दीजिएगा, मैं सारी व्यवस्था करवा दूंगा। ओके। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अभी छोड़ो मुझे, छोड़ो क्या हुआ मैडम? अभी कौन थे वो लोग? माँ, इस गांव में आने से पहले मुझे पता था, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरी बेटी को किसी भी वक्त जान का खतरा हो सकता है। मैनेजर, मैडम, मुझे इमीडिएट पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। बिरादरी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि रथ को पहले हम खींचेंगे, हम खींचेंगे। इस तरह जमीन पर लेटकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? चलो उठो। पहले हमारी बिरादरी के लोग इस रथ को खींचेंगे, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तू ऐसे नहीं। पुलिस क्या मिलिट्री भी आ जाए तो भी तेरी लड़की की शादी इस गाँव में मैं नहीं होने दूंगा। तुम पहले एक काम करो, किसी आंखों के डॉक्टर से मिलकर आंखों का चेकअप करवाओ, क्योंकि मैं जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मेरी बेटी की शादी देखने के लिए तुम्हारी आंखों का तेज होना बहुत जरूरी है, समझे? तुम भी किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपने हार्ट का चेकअप करवा लो, क्योंकि जब मैं इस शादी को रुकवाऊंगा तो सदमे को झेल नहीं पाएगी।
चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ए, देख क्या रहा है, गाड़ी निकाल, चल। कौन था वो माँ जो आपको धमकी देकर चला गया? नवग्रह की पूजा करने के लिए हम लोग इस गाँव में आए हैं, उसके पहले ही ये शनि हमारा रास्ता काट गया। क्या माँ, इतनी प्रॉब्लम्स झेलकर इसी गांव में मेरी शादी कराना जरूरी है क्या? जरूरी है। खत्री कौन है रे? हम कहिया मारे के लिए 11 बजे बुला रहे हैं ना? देख हम 5 मिनट पहले आ गए। चल भाईरा। खत्री, वो आ गया, वो आ गया। ए, तू क्यों कूद रहा है? देख नहीं रहा है खत्री भाई गन्ना छिल रहे? इन लोगों को तो आने दे। भाई, वो रहा खत्री। ए, तू तो बहुत ही हिम्मत वाला है ना, हमारा ग्रुप देख के डर गए का? अगर तू मर्द का बच्चा है तो आ जा मैदान में। खत्री, गन्ना छीलने के लिए थोड़े ही तुझे 10,000 रुपए दिए थे, गन्ना छोड़, उसे जाके छील। गुरु, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं जाता हूँ ना। वो तो दूध पियत बछड़ा रहा, अब देख हम शेर भेजत हैं। ए, अब हम सारे ग्रुप को भेजे था। जाओ। रहता भाई, हम अपन हथियार छोड़ दिए हैं, चला आप हाथे से लड़ा जाए। डराएगा का? मारने आया है तो मार, बोल मत, समझा? हमारा तुम्हारा तो कोनो लेन देन नहीं, फिर काहे मारा तो हो? बलवान खत्री, ऐसे ही किसी पे हाथ नहीं उठाता। कार पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट इसके पास था जो तूने छीन लिया, इसलिए इसने तुझे मारने के लिए पैसे दिए। 10,000 हम का मारे के दिए, हम 20 दिए तो एक का मरिया। इसको मारने के 20,000, 10,000 के ऊपर 1 रुपया भी काफी है। उतने पैसे में इसे मार कर धोकर सुखा कर तुम्हारे घर पे प्रेस करके भेज दूंगा। मत बल, पैसा मिला तो कुछ भी कर बे। अगर रुपए से 10 काम होते हैं तो उतने ही रुपए में मैं 11 काम करता हूँ। कौन है ये जो हमेशा आंखों में सपने लिए रहता है? दिखने में तो ये कोई शहरी बाबू लग रहा है। इसकी आदत हर किसी के काम में टांग अड़ाने की है। ये यहाँ कैसे पहुँचा? विदाउट टिकट था इसलिए बस वाले ने उतार दिया। Let's go back। यहाँ से सीधा 35 किलोमीटर जब तुम जाओगे वहाँ तुम्हें महालक्ष्मी मिलेगी, वही तुम्हारा कल्याण करेगी। ज्योतिषी ने बताया था 35 किलोमीटर दूर ये जगह वही है जिसे मैं ढूंढने आया हूँ, वो महालक्ष्मी कहाँ होगी? जिसे मैं ढूंढने आया हूँ वो महालक्ष्मी यही तो नहीं है? अरे हटो हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। मैडम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिलीवरी, आपका पेट देखकर तो नहीं लगता? इस औरत की? ओ नानी, इस उम्र में भी आपकी डिलीवरी हो रही, कमाल है। पागल, मेरी नहीं, इधर देख। लगता है 11 महीने पूरे हो गए हैं। अरे ये औरत बहुत देर से दर्द में करा रही है, अस्पताल पहुँचाने में 2 घंटे तो लगेंगे, अब हम क्या करें? अरे एम्बुलेंस आ गई। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑटो स्टॉप। अब देखिए मैडम, एट ए टाइम मैं माँ और बच्चे को कैसे बचा कर दिखा रहा हूँ। हे भगवान, आ जाओ जल्दी, चलो जल्दी। अरे पागल, ये क्या किया? नॉर्मल डिलीवरी, माँ और बच्चा अच्छे हैं, सक्सेस, नानी का पता नहीं। अच्छा,
वो कैसे? वो क्या है ना, हमारे रोड की कंडीशन ऐसी है कि हमारे इस रोड पर पेशेंट को बिठा करके ऑटो को टॉप गियर में डालकर चलाएंगे तो ऑटो ऊपर नीचे हिचकोले खाएगा तो कुंवारी कन्या के भी बच्चा हो सकता है। ऑटो के पीछे लिखा होता है कि प्रसव के लिए फ्री है, इसका क्या मतलब है? डिलीवरी के लिए फ्री है, मैंने ये डिलीवरी करा के इसका सही मतलब निकाल दिया। क्या नानी जिंदा हो? क्या हुआ बेटा? हाँ? पोता हुआ है। खुशी की बात है, अब आप लोग घर जाइए। इसका नाम भी रख देना। इसको नाम भी मैं दूँ? ओके। ऑटो में पैदा हुआ है, इसका नाम मीटर रखिए, मीटर। तो तू कान में तीन बार बोल दे। कान में बोलना है? ठीक है, बोल देता हूँ। आपका कान बहुत बड़ा है, इधर से उधर दिखता है। मीटर मीटर मीटर। अरे मेरे नहीं, इसके इसके। मीटर मीटर मीटर। आपको बताना चाहिए था ना कि मुंह धो के नाम लेना है। मैं मुंह धो के आता बेटा। आ? मेरी बड़ी बेटी भी पेट से है। आ? तू ऑटो लेकर घर आ सकते है क्या? ट्रक लेकर चलता हूँ, फिर पूरे परिवार का नाम रखूंगा। चलो भागो यहाँ से, सर पे चढ़ जाते हैं। तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हो। थैंक यू मैम। अच्छा तुम रहते कहाँ हो? मुझे घर में रहना पसंद नहीं है, ये संसार ही मेरा घर है। अच्छा तुम काम क्या करते हो? अभी तक तो कुछ किया नहीं, एक बार मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं। तो फिर आप मेरे साथ चल सकते हो। मैडम मैंने सोचा नहीं था वो सब इतनी जल्दी सच होगा। आप मेरे सेक्रेटरी बन के रह सकते हो। मैडम ये कौन है, आपकी सिस्टर है? नहीं, ये मेरी डॉटर अभी। डॉटर? एक भी ढंग का पत्ता नहीं है। हे मम्मी ये देखो कद्दू। ये क्या है मैडम? मुझे अपना सेक्रेटरी बनाने के बाद सीधा ऑफिस ले जाकर मुझे चेक बुक देगी ऐसा मैंने सोचा था, मगर आप मुझे सब्जी मार्केट ले आई हैं और आपकी ये बेटी कद्दू और लौकी का फोटो सेशन कर रही है। रानी आए तो जीतूंगा। आपने बताया था आप बैंकॉक में रहती, वहाँ आपकी प्रॉपर्टी तो होगी ना? डैडी भी है क्या? वो तो बचपन में ही गुजर गए। वो बचपन में गुजर गए तो ये क्या गमले में हुई सेक्रेटरी? ओ, जब ये छोटी थी तब वो चले गए। कोई बात नहीं, इसके अलावा मूछ रखे हुए बड़े चाचा, एक हाथ वाले छोटे चाचा, टाटा सुमो में आने वाले अंकल, छोटे अंकल, ऐसे उटपटांग कैरेक्टर तो होंगे ना? हमारी फैमिली में अब कोई मर्द नहीं। आइंदा मेरे होते हुए फैमिली में मर्द की कमी महसूस मत करना, मैं आ गया हूँ। अब मेरी इजाजत के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, ये बैंकॉक की माँ बेटी के पीछे मेरे अलावा और कितने लोग पड़े हैं? Something wrong. तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? पूरे 50,000 हैं। मेरी बेटी को जाकर जल्दी बचाओ। मैडम आपकी बेटी इकलौती है क्या? चल चल चल। देखो मैडम, करोड़ों के जायदाद की इकलौती वारिस है और उसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपए। चल बातें कहाँ जाएगी। ये लो अब बस। अच्छा अब तुम जल्दी जाओ और मेरी बेटी को बचाओ। अरे ले चलो। आहा, क्या हाइट है, वेट है, फाइट है, सभी कुछ एकदम राइट है। ये स्टोरी में आ गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी, अभी को बचाकर ये तो हीरो बन जाएगा। अरे ये तो मार खा के मेरे पास आ गिरा। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा मैं मार लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। यार पहला आजा आजा आजा। दूसरा
इसे लगा लेता हूँ, खून की तरह लगेगा। कैसा लग रहा है बे घोचू? ऐसे लग रहा है जैसे खून निकल रहा है। यही तो मैं चाहता था। मम्मी, थैंक गॉड, आर यू ऑल राइट? हम ऑल राइट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के पैरों में गिरकर माफी मांगो। आपने इनसे फाइट की है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ किसी और ने फाइट की है क्या? अच्छा, इसने भी एक दो तमाचे मारे। तो क्या तुमने इन लोगों को मारा है? ये क्या तुम भी पूछने लगी? मैंने तुम्हारे लिए फाइट की है, 10-10 लोगों को जमीन में पटक पटक कर मारा है। उसमें से 8 तो स्पॉट पर से ही दुम दबाकर भाग गए, और 2 लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, इसलिए तुमसे माफी मंगवाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। इतना ब्लड? अरे कुछ नहीं, इन्होंने यूं ही हाथ में चाकू घोप दिया, मैंने निकालने में थोड़ी देर कर दी बस। दर्द नहीं हो रहा? दर्द दर्द दर्द? तुमने वो डायलॉग नहीं सुना कि मर्द को दर्द नहीं होता? दर्द कैसे होता है तुझे पता नहीं? मुझे नहीं पता और ना ही मेरे खानदान को पता है। चाकू से मारा फिर भी दर्द नहीं हुआ? तो क्या है ना, ऐसा लगा जैसे किसी मच्छर ने काटा, दर्द का पता ही नहीं चला। सच बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा। जरा दिखा दो। लो देख लो। ये तूने क्या किया, सीधा ऊपर से डालकर नीचे से निकाल दिया। अब दर्द हुआ ना? नहीं नहीं हुआ। ये क्या भाई, गियर बदल रहे हो, ट्रक चलाते हो क्या? अब बता। नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। अबे ये क्या दही मत रहा है क्या तू? अभी बता दर्द हुआ कि नहीं? मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता, ये ले। ए, तू सच सच बता, तू हंस रहा है या रो रहा है? मुझे खुद नहीं पता। सुनो खत्री, इस गांव में मेरी बेटी को जान का खतरा है। मेरी बेटी की शादी हो जाने तक तुम्हें मेरी बेटी अभिलाषा का बॉडीगार्ड बनना होगा। क्या कहा आपने, ये बॉडीगार्ड है? ये तो रोड पे सांपों का खेल दिखाने वाला सपेरा लगता है, तो फिर ये किस तरह से आपका बॉडीगार्ड बनेगा? तो फिर मैं कौन हूँ? मिस्टर विवेक, बॉडीगार्ड में और सेक्रेटरी में फर्क होता है। ओ, तुम्हारे महीने की पगार है 25,000। 25,000? अरे बाप रे, देखो उसमें कितने जीरो होते हैं, उसको पता नहीं है, उंगली में गिन रहा है। मैडम, एक गुंडे को इतना पैसा मत दीजिए, उसके बारे में जरा दिमाग से सोचिए। नहीं सोच सकती तो मुझे कहिए। मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुम्हारे लिए ओके है? मेरे लिए ओके है, मगर अपनी कुछ शर्तें हैं। क्या है? मैं अकेला था तो किसी की भी रोक टोक नहीं थी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जिस दिन मेरा दिल यहाँ से उब गया ना, मैं तो निकल लूंगा। मेरे परिवार की भी इज्जत है, उस पर कभी आज ना आने पाए। मिस्टर विवेक। यस मैडम। खत्री को उसका कमरा दिखाओ। इसके पहले कभी तूने सुनार की दुकान में काम किया है क्या? ये क्या पूछ रहा है बे? इतने गहने पहना है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमने अपना नाम क्या बताया? खत्री। बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारा ये नाम पसंद नहीं आया। अच्छा, तेरा नाम क्या है? मिस्टर विवेक। मुझे भी तेरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये टॉपिक यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है। तू कभी स्कूल गया है क्या? कल गया था सेकंड शो। मजाक कर रहा है? तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने कभी स्कूल जाकर पढ़ाई की है क्या? डॉक्टर। सर, डॉक्टरी की पढ़ाई की आपने? पढ़ने की इच्छा थी मगर फेल हो गया। सर, आप MBBS में फेल हो गए क्या? नहीं, पहली क्लास में। हा? यही मेरा रूम है ना। पहली क्लास में फेल होके PhD जैसी बातें करता है, इस सड़े सांड से मुझे संभल के रहना पड़ेगा। मैं भी कुछ कम नहीं, ये जब तक यहाँ है मैं इसे अभी के साथ कोई चक्कर नहीं चलाने दूंगा, किसी हालत में नहीं, क्योंकि एक बयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, इसलिए आज रात ही इसका काम तमाम। आराम से बैठ के दारू पी रहा है। पहले अपना दया पैर अंदर रखो, फिर सीधा अंदर जाओ। जो मैंने बताया था वो आदमी अंदर बैठा है, अंदर जाके अपना काम शुरू कर दो और रिटर्न जल्दी आना। याद रखना, ऑलरेडी तुम्हारा फुल अमाउंट सेटल्ड है। अच्छा दलाल जी। दल्ला? मेरी नानी कहती थी अगर कस्टमर से पूरे पैसे ले लिए हैं तो खुश तो करना ही पड़ेगा ना। तेरी नानी भी इसी धंधे में थी क्या? ऐसी बात नहीं है छमिया, वो जो अंदर बैठा है ना जंगली भैंसे की तरह है। मेरे सामने तो अच्छे अच्छे भैंसे भी बछड़े बन जाते हैं। अच्छा, तुम यही रुको, मैं अभी काम खत्म करके आती हूँ। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, वो अंदर से बाहर आएगी, पता चलेगा चोली के पीछे क्या है। इसका तो पूरा खानदान इसी धंधे में है। मैंने सोचा था ये लोकल परमिट है, लेकिन ये तो इंटरनेशनल परमिट है। डेफिनेटली ऑपरेशन सक्सेस। मैडम मैडम, जल्दी बाहर आइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैंकॉक वाली दारू पी के टुन हो गई है? ऐसा बैंकॉक में चलता है, यहाँ नहीं चलता। मैडम मैडम, जल्दी बाहर आइए, बहुत जरूरी काम है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? इस देश में आधी रात को बहुत से काम चलते हैं। हा?
आपका घर तो मंदिर की तरह है और इस घर की खत्री वाट लगा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपने खत्री को अभी का बॉडीगार्ड बनाया है, इस वक्त वो अपनी बॉडी किसे दिखा रहा है? आइए दिखाता हूँ, आइए मैडम। अपने दिल पर पत्थर रखकर अंदर जाकर देखिए। अभी थोड़ी देर में खत्री इस घर से बाहर हो जाएगा। तेरे पास ताकत है तो मेरे पास बुद्धि है। क्या हुआ मैडम, आपकी आंखें कुछ बदली बदली लग रही है, आपके बाल बिखरे लग रहे हैं, कहीं उस गुंडे ने आपके साथ आओ 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 तो नहीं कर दिया? आइंदा अगर उसके बारे में कुछ भी कहा तो घर से बाहर निकाल दूंगी। ये क्या हो गया, वो अंदर चोली के पीछे क्या है देख रहा है, और ये भी उसका बराबर सपोर्ट कर रही है। लगता है बैंकॉक वाली आइटम को भी सेट कर लिया है, पूरी की पूरी फैमिली करप्ट है, अब मेरा क्या होगा? ये रखो अपने पैसे। क्या हुआ, पैसा क्यों लौटा रही है? बिना काम के मैं पैसे नहीं लेती। ये भी तेरी नानी ने कहा है क्या? ये मैं कह रही हूँ। किसका मुंह देखा, पूरा दिन खराब गया। अरे तेरा दिन नहीं मेरा दिन खराब है, अरे कुछ तो करके जाती मेरी माँ। बेटा विवेक, तेरी चाल कैसे उल्टी पड़ गई देख लिया ना, ये सिक्सर कैसे मारा तुमने? ऐसे देखो बहन, तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं होती, सबको तकलीफ है। एक लड़की जिंदगी का सामना कैसे करती है ये हमारी मैडम महालक्ष्मी को देखकर सीख लेना। विदेश जाकर हमारे मैडम ने अकेले ही इतनी तरक्की की और अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने दुश्मनों के गांव वापस लौट आई है। मेरी नजरों में वो औरत सिर्फ महालक्ष्मी नहीं, धैर्य लक्ष्मी है। कैसा लगा बेटे? इस बार तो मैं हार गया, पर अगली बार मैं नहीं हारूंगा। इस बार जैसा हारा ना हमेशा वैसे ही हारेगा। hey, इस बार तो तू धोखे से जीत गया, पानी छीट के तूने मेरे अंदर सोए हुए जानवर को जगा दिया है। आज की तारीख को कैलेंडर में निशान लगा कर रख लेना, अब से 24 घंटे के अंदर तू इस घर से बाहर होगा। उसके लिए कैलेंडर क्या देखना है, वॉचमैन देख लेगा। बहुत होशियारी की बात कर रहा है, परवा नहीं, वो लड़की डमी निकली तो क्या हुआ, दूसरा प्लान बनाकर तुझे इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा। खत्री, तू मेरे हर काम में टांग अड़ा रहा है। गीत संगीत और नृत्य की कला हमारी रग रग में बसी है और तू हमारी इस कला में टांग अड़ा रहा है। ये कौन है तू जानता है? भरतनाट्यम की महान नृत्यांगना पद्मिनी जी की शिष्या है, ये किससे सीखी है? स्वर्णलता जी की बड़ी माँ से। अरे तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? संगीत मेरे रग रग में बसा है जैसे आशा भोसले लता मंगेशकर के, अंडरस्टैंड? क्या पूछ रहा है, जवाब दो। मैडम देखिए, अपने हाथों से चूड़ियां पहना चुका है और अब पायल पहना रहा है, लगता है अब मंगलसूत्र पहनाएगा, कुछ करिए आप। हैं? खत्री क्या कर रहे हो? मैडम मुझे पायल और चूड़ियों की आवाज़ बहुत पसंद है। अभी कुछ देर बाद कहेगा कि बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। ए, तू चुप कर। मैडम आपकी लड़की को किसी गुंडे ने उठा लिया तो पायल और चूड़ियों की आवाज़ से हम इसको बचा सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुझे 25,000 दूंगी, ये मेरी गलती थी। करेक्ट मैडम, मैंने कहा था ना, दिस इज टू मच फॉर हिम, इसके 5-10,000 रुपए कम कर दीजिए। नहीं मैडम, तुम्हारे लिए तो 25,000 ही बहुत कम है। हटो अब से इसे,
25,000 नहीं बल्कि 40,000 रुपए मिलने चाहिए। ये तो मेरा फर्ज है मैडम, अब आप लोग थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए। जाइए मैडम, जाइए। थैंक्स सेक्रेटरी, तुम उस रूम में जाकर सो जाओ। उस रूम में जाकर अकेला सो जाऊं? लगता है इस बार फिर तू मुझसे हार गया। तो क्या हुआ, मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं हर बार नहीं हारूंगा। देखो चाकू तेज न करना, कट जाएगी। सुन लो, मैं विवेक हूँ, मुझे घंटी की तरह बजाया तो मैं तुम्हारी दोनों तरफ के ढोल बजा दूंगा। मैडम ये कुछ डबल मीनिंग बोल रहा है मैडम। डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है मैडम, घंटी बजाना मैडम थोड़ी ही डबल मीनिंग होता है, ये साला मरवाएगा। अब सिर्फ यही बाकी था, वो जब से इस घर में आया है मेरा तो चैन छिन गया है। इसकी हिम्मत तो देखा, मुझे पायल पहनाएगा। आजा आजा आजा, पायल पहनाकर मुझे बचाएगा, अब देखती हूँ क्या करता है। ये तो पायल की आवाज है। खत्री ने बिल्कुल सही कहा था, कोई अभी को किडनैप कर रहा है, अभी मैं आ रहा हूँ तेरे लिए। ये कैसी आवाज है, पायल की आवाज के ऊपर ट्रैक्टर की आवाज ओवरलैप हो रही है। ये आधी रात में ट्रैक्टर को स्टार्ट करके घर के अंदर ट्रैक्टर कौन चला रहा है यार। बाप रे बाप, महीने की 40,000 रुपए तनख्वाह लेकर भी गधे घोड़े बेचकर सो रहा है ये। विवेक यही एक बढ़िया चांस है, अभी जाकर अभी को बचा लो। ये दो नंबर का आदमी बाहर जाएगा और अभी मेरे कब्जे में होगी। अच्छा तो अंधेरे में इस रास्ते से अभी को लेकर जा रहा है, है? हे, लगता है इसे मेरे बारे में पता चल गया है, मुझे पीछा करता देख मुझसे डर के अभी को कहीं छुपा दिया है, पर मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। अभी को कहाँ छुपाया बताओ। अरे 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 कौन है रे, शांति से बैठने भी नहीं देता है, सब लोग आ रहे हैं। ये क्या हो गया, तू सचमुच में आउटसाइड में दो नंबर वाला काम कर रहा था क्या? पहले मुझे ये बताओ आप सब लोग लोटा लेके क्यों खड़े हैं? ये एसोसिएशन का मेंबर है। मेंबर? हाँ हम लोग एक साथ ही आते हैं। सभी एक साथ? हमारा यूनियन है। यूनियन? हाँ। मेंबर? हाँ। अरे बाप रे बाप, दो नंबर जाने के लिए भी एसोसिएशन बना लिए हो। ये बताओ सरकार ने हर घर में टॉयलेट बनाने के लिए 1500-1300 रुपए दिए थे, उन पैसों का क्या किया? उस पैसे से हमने दारू पी ली। क्या दारू पी ली? उस पैसे की दारू पियोगे और इस जगह को गंदी करोगे तो तुम्हारा गांव कैसे तरक्की करेगा? ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। कल रात तो ये पायल मैंने बिल्ली को पहनाई थी, वापस कैसे आ गई? ए, कल रात ये पायल मैंने बिल्ली को पहनाई थी, वापस मेरे पैर में कैसे आ गई? अच्छा वो पायल ना, वो क्या हुआ मैडम, पायल को बिल्ली के गले में देखकर मुझे गुस्सा आया और मैं उसे आपको पहनाने आपके कमरे में पहुंच गया और वहां मैंने देखा कि आपका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था, मगर आप नाइट गाउन में नाइट इफेक्ट के साथ बहुत सेक्सी लग रही थी, एकदम एक जलेबी की तरह, एकदम मीठी मीठी। मेरे दिल में तो कुछ बंद करो ये सब और वापस पायल की बात। ओ पायल, मैं चुपचाप से आपके बगल में आकर बैठ गया और फिर मैंने नाइटी को थोड़ा सा ऊपर उठाया और ट्यूब लाइट की तरह आपके दोनों पैर चमक रहे थे। बकवास बंद करो, आगे बोलो। मैंने तुम्हारा पैर पकड़ा और तुमने अपना दूसरा पैर मेरे हाथ पर रख दिया। पर तुम तो हाथ हटा लेते। अगर मैं हाथ हटा लेता तो आप उठ जाती, फिर मुश्किल हो जाती। सच बताऊं तो पूरे 32 मिनट के बाद आपने करवट बदल ली, जैसे ही आपने पैर हटाया मैंने अपने हाथ से आपके प्यारे प्यारे पैरों में वो पायल बांध दी। आगे आपको सब पता है। ये लो मालकिन कॉफी। नीचे क्या देख रही हो? आपको पायल ठीक से पहनाई या नहीं वो देख रही थी। वो पायल तुमने पहनाई थी? हाँ मालकिन, मैं बाहर सफाई कर रही थी, खत्री ने मुझे बुलाकर कहा ये पायल आपकी है, मैं पहनाऊंगा तो बुरा लगेगा, इसीलिए तुम ही जाकर पहना दो। Thank you.
आप लोग यहाँ? 14 साल तक जेल में खाना खाया, कारण तू है। आप लोगों ने खून किया था इसलिए मैंने गवाही दी। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तूने भी बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे सजा हम देंगे। गवाही देगा? इसकी बलि तो हम लोगों ने चढ़ा दी। चलो दूसरे की तैयारी करते हैं, चलो। खत्री, आज अभी का जन्मदिन है। अरे वाह, ये जहाँ कहीं भी जाना चाहती है उस जगह पर इसे ले जाओ। हाँ, ले जाऊंगा। थैंक यू मम्मी। खत्री, क्या चांस मिला है, मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको अगर मौका मिला तो आप यही सेटल हो जाएंगी। आप भी पानी में खेल रही हो और मैं भी पानी में खेल रहा हूँ। I feel alive. यूहू! अभी थोड़ा संभल कर, लगता है इसने बैंकॉक में कभी पानी को देखा ही नहीं। अभी अरे तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं कोई भूत प्रेत तो हूं नहीं और ना ही कोई गुंडा हूं। अरे मामा हूं मैं तुम्हारा। अरे तुम्हारी माँ का इकलौता भाई हूं मैं। ये मेरा कजिन है और ये मेरी वाइफ है। ये तुम्हारे नाना है, ये आंटी। अरे सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको मुझसे सच में प्यार होता तो इस तरह किडनैप करके नहीं लाते। तुमसे मिलने के लिए मैं कितनी बार बैंकॉक आया हूँ, तुम नहीं जानती। तुम्हारी माँ ने मुझे मिलने ही नहीं दिया और यहाँ मिलना चाहा तो भी तुम्हारी माँ ने नहीं मिलने दिया, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह लेकर आया हूँ। ये हमारी गलती है, लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ तुम उस बात को समझो बेटी। अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ। अभी तुम आ गई हो तो तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। देखो बेटी, अभी जब तुम अपने माँ के पेट के अंदर थी तो मैंने इस खुशी में पूरे गांव को खाना खिलाया था। मैंने तुम्हारे इस नाना ने, तुम्हारी माँ जब हमसे नाराज होकर बैंकॉक चली गई थी तब तुम 3 साल की थी। 15 साल हो गए तुम्हारी माँ और तुमसे मिलने के लिए मेरा दिल कब से तड़प रहा था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो आप लोग रॉब दिखा रहे थे, जब काम नहीं बना तो सेंटीमेंट्स दिखाकर मुझे फंसा रहे हो, है ना? मेरे पास मत आना, अगर पास आए तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। अभी देखो, पास मत आना वरना अपना हाथ काट लूंगी। मेरी बात देखो, मैं तुम्हें बोल इनकी रक्षा और देखभाल करने के लिए ये खत्री हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा। चलो यहाँ से। मम्मी, अबे। अरे साले साहब, आप बैठिए। अरे कोई बात नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी बिरादरी वाली लड़कों के स्कूल में पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक होती है, उसे HSC तक बढ़ाने के लिए परमिशन चाहिए थी। पर स्कूल के पास तो क्लास बढ़ाने के लिए जगह है ही नहीं। जगह नहीं है तो क्या हुआ, परमिशन दे दीजिए, 4 पिलर खड़े करके शुरू कर दूंगा। जिस स्कूल में जगह नाम की कोई चीज ही ना हो तो कानून उसे आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं देता। कानून के हिसाब से मत दीजिए, कुछ लेन देन करना हो तो बता दीजिए। मिस्टर बाल पांडे, मैं और करप्ट ऑफिसरों की तरह रिश्वतखोर नहीं हूँ। तुम मेरी पत्नी के भाई हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से।
आओ भैया। मैं यहाँ पे रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ। तुम्हारे पति ने कहा था कि वो रिश्वत नहीं लेता। जैसे तुम्हारा पति करप्शन जानता ही नहीं है। अरे 10 लाख रुपए लेकर इसने अपनी बिरादरी वालों को बड़े आराम से परमिशन दे दिया। इस बैग में 10 लाख 1 रुपए हैं। इसे लेकर चुपचाप इसे परमिशन देने को कहो। ए, तुम ये क्या झगड़ा करने के मूड से आए हो? मैं किसी भी गलत काम के लिए परमिशन दे ही नहीं सकता। तूने जो रिश्वत में पैसा लिया था अपनी औरत को नहीं दिया क्या? अपनी रखेल को दे दिया क्या? भैया, ऊंच नीच मानने वाले एक गंदे इंसान हो आप। इन पर इल्जाम लगा रहे हो? चले जाइए आप। कहाँ ना जाओ। ए, उस दिन तूने दूसरी बिरादरी वालों के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया, आज मेरी ही बहन के मुंह से मुझे बाहर भगा रहा है। सुन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पंद्रह सालों से मैंने अपनी बेटी को संभाल कर रखा था। एक पल के लिए डर गई थी कि वो मुझसे बिछड़ गई, मगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया। ये लो 10 लाख का चेक। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हा? हा? बुरा मत मानिए मैडम, आपसे जितने पैसे की बात हुई थी उतना ही पैसा लूंगा, यही मेरी पॉलिसी। ये खत्री, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? अरे सड़क पर अगर 1 रुपया भी दिखाई दिया तो तुझसे अपनी एक बीड़ी खरीद लेता है। मैडम ने तुझे 10 लाख का चेक दिया, तूने वापस कर दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। रुक, एक बात पूछनी थी सर। पूछिए। मुझे लगता है मैडम की जायदाद की कीमत कम से कम 20 करोड़ रुपए है, मगर ये कहता है 10 करोड़ रुपए है। अब आप ही बताइए सर कितनी होगी। आप दोनों ही गलत बोल रहे हैं, जायदाद की कीमत 5000 करोड़ है। ये 5000 करोड़ रुपए का जैकपॉट अभी के पति को मिलेगा। कोई तो शादी करेगा ना, तो मैं क्यों नहीं। हे मेरे विनायक, मेरी सहायता करो। अभी अगर मुझे मिल जाए तो उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। मेरी हेल्प करो प्रभु। हे भगवान, 5-10 रुपए के लिए मैं लोगों को मारता पीटता था, अभी से शादी हो जाए तो सीधे 5000 करोड़ मिल जाएंगे। मेरी मदद कर दो भगवान। अरे पापी, नंदी की तरह तुम हमारे बीच में आ रहे हो, अभी के लिए तुम भी ट्राई कर रहे हो क्या? हर ऐरा गहरा ट्राई करे, अभी कोई मंगलवार का प्रसाद है क्या? ध्यान से सुनो, तुम्हारा काम है सिर्फ उसकी बॉडी की रक्षा करना, बाकी सब काम के लिए ये विवेक है ना। मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या है? विवेक और खत्री के बीच में इस समय तीसरा आदमी आ रहा है। तीसरा आदमी? हाँ यार, बैंकॉक से वो ओरिजिनल दामाद आ रहा है जो अभी से शादी करने वाला है। लव स्टोरी में ट्रायंगल? सही कहा, उसके यहाँ आते ही उसे यहाँ से भगाना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। के बाद अभी खत्री या अभी विवेक, वो बाद में देख लेंगे। ओके, क्या कह रहे हो दामाद जी? आपने अभी तक लड़की को देखा भी नहीं? उसकी तो मैंने फोटो भी नहीं देखी। क्यों? अरे आंखों के सामने रूबरू होने का मजा ही कुछ और होता है। ओ, आप इस तरह से डिफरेंट है, इसमें तो मेरा फायदा आराम से हो सकता है। वाह। Who's that girl? जिससे तुम्हारी शादी होगी उसकी माँ? नहीं है, ये है तुम्हारी होने वाली। प्यार भरी नजरों से तुम्हें देख रही है और तुम्हारे स्वागत के लिए बेसब्री से हाथ में बुके लेकर खड़ी है। ओहो, आंखों से आंखें मिलाकर अपने प्यार का जाल बिछा दो और फिर अपने प्यार को हासिल कर लो। प्यार प्यार प्यार। अबे विवेक, ये तू क्या कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो तू खत्री है और मैं विवेक हूँ। वो सीधे जाएगा और माँ को वो डायलॉग बोलेगा जो लड़की को बोलना था। वो गर्म पार्टी है, वो एकदम से भड़क जाएगी और सगाई टूट जाएगी, इसकी सवारी बाहर जाएगी। हाय, वेलकम टू इंडिया। वेरी नाइस। थैंक यू। फूलों को नहीं कहा? काउंटडाउन स्टार्ट। ये लीजिए कॉफी। ये कौन है? नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी। तू क्यों कॉफी लेकर आई है? अंदर जाके उसको बोल कॉफी लाने के लिए। खड़ी क्यों है? जल्दी जाओ यहाँ से। नमक थोड़ा और मिला दो। देखो, दोपहर का खाना अच्छा होना चाहिए, समझे? हाँ, क्या अभी कॉफी वापस ले आई? उन्होंने कहा कि आप लेकर जाइए। मैं ले जाऊं? क्यों? पता नहीं। ठीक है। सिर्फ कॉफी? और कुछ नहीं मिलेगा? Why not? खाना भी मिलेगा। सिर्फ खाना ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा क्या? फोर। इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, थैंक यू। थ्री। आप अपने फेस को दूध से धोती हैं क्या? नहीं तो पानी से ही। टू। तो फिर आपका फेस बटर जैसा क्यों चमक रहा है? वन। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। उसके लिए है ना? उसके लिए? नो नो, आपके लिए। मेरे लिए?
मुझे क्यों, उसको ही दे दीजिए। आप मजाक कर रही है ना? मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ अभी। अरे, ये नौकरानी को क्यों बुलाया आपने? नौकरानी? दामाद जी। दामाद जी? आप मुझे दामाद जी को बुला रही हैं? हाँ जी, आप दामाद हैं और ये अभी। और आप? मैं अभी की माँ हूँ और ये है मेरी बेटी अभी। अभी? ये ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। आप इतनी खूबसूरत है कि लड़की की तरह लग रही हैं। लड़की? और मैं? आप भी ना दामाद जी। मैडम, मैडम कहाँ जा रही है मैडम? ये मैडम पूछ रहा है। मैडम, आपने उसकी हरकतें देखी? मैडम वो आपको ब्यूटीफुल कह रहा है और आप हंसी मजाक कर रही हैं। मैडम ये गलत बात है, आप शादी इसी वक्त रोक दीजिए, फिर मैं उसकी मरम्मत करता हूँ। शट अप खत्री। वैसे उसने गलत क्या कहा है बताओ? मैं और अभी जब बैंकॉक में रहते थे, वहाँ सभी हमें बहने समझते थे। शायद उसने भी यही समझा और ऐसे कह दिया। इट्स जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर ऑल खूबसूरती की तारीफ होनी ही चाहिए। खत्री, पार्टी को ब्यूटी क्या कह दिया, ये तो ऐसे आधा दिखाने लगी। अगर इस समय ये गवर्नमेंट सर्विस कर रही होती तो दो बार रिटायर हो चुकी होती। हम उस लड़के के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे तो वो सुनकर भड़क जाएगी, ये सोचा था, पर ये तो सब उल्टा हो गया। तू तो मिमिक्री और नौटंकी के ही लायक है, प्लान तो एकदम घटिया था तेरा। आज सुन। क्या? सुन मेरा नया प्लान। कौन सा प्लान? क्या बात है? माहू धारगन बजाते बजाते देखना मौत के मुंह में जाएगा। काम शुरू करते हैं। जीत हमारी। खत्री मुझे बचा, मुझे तैरना नहीं आता। अबे तुझे बाद में बचाऊंगा, मुझे भी तैरना नहीं आता। तूने तीन रात की फिल्म के बारे में बताया, डायरेक्टर बालाचंद्रा के बारे में बताया था, रजनी और कमल हसन के बारे में बताया था, फिर तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुझे तैरना नहीं आता? ये बात तूने मुझसे पूछी कहाँ थी? मैं आज पानी में पहली बार गिरा हूँ। पानी? पानी में मरने का इंतजार कर रहे हैं और तू पानी में भी डायलॉग मार रहा है? दामाद जी गाना बाद में गाना, पहले बचा लो हमको। मैंने सोचा तुम लोग स्विमिंग कर रहे हो, तुम लोग डूबने का मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्या, हमारी जिंदगी की वाट लगी हुई है, मजाक आप कर रहे हैं, हमें कैसे भी बचा लीजिए। गटा पैसे, गटा, come on। Nonsense। सॉरी दामाजी। गांव में पैदा हुए तुम लोग और स्विमिंग भी नहीं आती, बहुत शर्म की बात है। एक बॉडीगार्ड के लिए हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग दोनों आनी चाहिए। तुम दोनों तो निकम्मे हो बिल्कुल ही। घर पहुंचने से पहले तैरना सीख के आना, वरना मैं तुम दोनों को धक्का दे दूंगा। माइंड इट। देखा, हमने तो इसे जान से मारने की सोची थी और ये हमारी जान बचा के जा रहा है। तेरा आइडिया था ना, तो क्या हुआ? खुद तो सोच नहीं सकता, पुराने फिल्मों के आइडिया चुराएगा तो ऐसा ही होगा ना। मैंने तो पुरानी फिल्म का सिर्फ एक सीन चुराया था, मगर कुछ लोग तो पूरी की पूरी फिल्म चोरी करके टाइटल बदल के रिलीज कर देते हैं। मगर एक बात है, हम दोनों पानी में जब डूब गए थे ना, उससे हमें एक फायदा हुआ। वो कैसे? डर के कारण मैंने शू कर दिया पर किसी ने देखा नहीं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, सोमनाथ जी और विद्या देवी जी के सुपुत्र राघव का महालक्ष्मी जी की सुपुत्री अभिलाषा के साथ ये सगाई की रस्म पूरी की जा रही है। शुभ अस्तु। उस शगुन पर मेरा हक है और इस लड़की को बहू बनाने का हक भी मेरा बनता है। इन दोनों हकों को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। क्या कौन है ये? इस तरह से हम लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? वो कोई खास बात नहीं है, अपने दोस्त के बेटे के साथ अभी की शादी करवाना चाहता है। मना कर दिया तो कहने लगा कि जबरदस्ती करवाऊंगा, तब से बेवजह परेशान कर रहा है। अच्छा, अरे इसे बेवजह कहाँ परेशान कर रहा हूँ, ये इस भाई की इकलौती बहन है, ये तो जानती ही हो। अभी की शादी करवाने का हक मेरा है। हाँ, मैं इनकी बहन हूँ और ये मेरे भाई हैं। ये जरूरी है ये जहाँ भी बोले तो मैं मेरी अभी की शादी वहाँ कर दूँ? सुनिए भाई साहब, ये सिर्फ मेरे पैसों की लालच में ऐसा कर रहे हैं। सर, आप इज्जत से यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस को फोन करेगा क्या रे, तेरी तो। ए, दिमाग खराब हो गया? उस दिन तुझसे कहा था ना मैं इनकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, भूल गया क्या? मैं अपनी बहन से बात करने आया था, तेरे जैसे मवाली से नहीं। तुम लोग खड़े क्यों हो, समझाओ इसे।
अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत की ना, तो तुम्हारे इस फूल गोभी जैसे दिखने वाले खूबसूरत मालिक की मुंडी के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। खचाक खचाक खचाक। मैडम आप शगुन ले लीजिए, मैं इसे देख लूंगा। बताइए। आप ये इंजेक्शन जल्दी मंगाइए प्लीज। भैया लक्ष्मी माँ ईश्वरी लक्ष्मी आ गई ना। मैं आज बहुत खुश हूँ। कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, आखिर भाई भाई होता है, इसी को कहते हैं खून का रिश्ता। ये बार बार मुझसे कहते थे मेरी बहन मेरे पास जरूर आएगी, आज इनकी बात सच हो गई। मेरे ऊपर जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई ना बहना, जो हुआ उसे सपना समझकर भूल जाओ। तुम अपने लड़की की शादी मेरे दोस्त के लड़के से करा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी की जो तारीख तय हुई है उसी दिन हम ये सब करते हैं, तुम तैयार हो ना? मैं कुछ भूली नहीं हूँ। ऊंच नीच के चक्कर में मेरे पति की बलि चढ़ा दी, मैं इन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आप लोग सोच रहे हैं कि इनकी जान की हिफाजत मैंने खून के रिश्ते की वजह से की। तुम शादी में जरूर आना और शादी के बाद तुम भले ही मर जाओ, हाँ चलती हूँ। सुबह होते ही शादी हो जाएगी, हम दोनों में से कोई एक ही दूल्हा हो सकता है। मगर हमारी हालत तो ऐसी हो गई ना, घर के रहे ना घाट के, ये सब तेरी वजह से। तू चिंता मत कर, सुबह होने में अभी बहुत टाइम है। मैं कोई नया प्लान सोचूं क्या? तू कोई भी प्लान मत सोचना, मैं उसे उस दुनिया से उठा दूंगा। सुपर। इस वक्त वो कहाँ होगा? इस बंगले में हजार खिड़की हजार दरवाजे हैं, अब तू ही बता उसे कहाँ जाकर ढूंढूं। तू इधर देख मैं उधर, चल। ओके। कहाँ पे लात मारी रे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। क्या हुआ? अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, मैंने नया आइडिया सोचा है। मैं दूल्हे के सेंटर में लात मारूं? छे छे, बैड आइडिया, कहाँ इधर ला। अबे हवा आ रही है, आइडिया बोल। एरिया गंदा था, उसे साफ कर रहा था। ए। अच्छा कहाँ इधर ला। हम लोग मिलके उसके दामाद के साथ। अब जाके तेरा दिमाग चला है। थैंक यू खतरी। अरे अरे सर क्या बताऊँ आपको, बहुत टेंशन वाली बात हो गई। बोलो अब क्या बताऊँ सर, मैंने सुना वो अभी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, वो कह रही थी कि आप दिखने में तो बहुत स्मार्ट है मगर आप में मर्दानगी कम लगती है। उसने ऐसा बोला? हाँ सर, विदेश से आए आपको एक हफ्ता हो गया मगर आपने अभी तक उसको एक किस नहीं दिया, ना ही नजरों से नजरें मिलाई है। वो कहती है आप में पावर ही नहीं है सर। उसकी ये हिम्मत आज मैं उसको दिखा के रहूंगा, मैं मर्द हूँ मर्द। ये हुई ना बात, आप छत पर जाइए, मैं उसको आपके पास भेजता हूँ। तमाद जी कह रहे थे जब मैं बैंकॉक में था तभी से अभी पे मेरी नजर थी पर वो मेरे हाथ नहीं आई, इसीलिए तो मैं यहाँ इंडिया आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि शादी से पहले अगर एक बार अभी के साथ मैं वो सब कर लूँ जो शादी के बाद करते हैं तो कितना मजा आ जाएगा। भगवान क्या जमाना आ गया है। दामाद जी कहाँ है? हाँ, तो सही है। मर्दानगी देख ली थी ना तुझे, आजा अब दिखाता हूँ तुझे मैं अपनी मर्दानगी। आप इतना नीचे गिर जाओगे,
मैंने सोचा नहीं था। चुप क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ बताओ, सच्चाई तो पता चले। हैं? ये तुम इस तरह बार बार खतरी की तरफ क्यों देख रहे हो? इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी घटना घटी उसमें खतरी भी तुम्हारे साथ था क्या? हाँ मैडम, मुझे ये सारा आइडिया खतरी नहीं दिया। अभी की जगह आप आ गई। क्या आप आ गई? जबान बंद कर अपनी। ए भाभी, ये नीच काम कराने वाला तू है? हे भगवान, मैडम के चेहरे की तरफ देख जरा, हमने इनका नमक खाया है, ये हमारी मालकिन है। तूने जरा भी नहीं सोचा इन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी और तू मालकिन के साथ धोखा कर रहा है। तेरा दिल कैसे माना? क्या कर रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो समझ गया होगा खत्री और विवेक में क्या अंतर है। खत्री, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। निकल जाओ यहाँ से। इसके आगे मैं आपसे कुछ भी कहूंगा तो आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगी। मैं चलता हूँ, मगर इस घर को छोड़ने से पहले मैंने आपका जो नमक खाया है उसका कर्ज चुकाऊंगा। वो क्या है? विवेक, तूने मैडम का जो सोने का नेकलेस चुराया है वो इन्हें वापस लौटा दो। मैंने नेकलेस चुराया है? मजाक कर रहा है मैडम? ये पैंट की जेब में रखा है, निकाल के दे दे। पैंट की जेब में? कहाँ रखा है, खुद देख ले। ये देख, यही है वो। अरे बाप रे, ये हार मेरी पैंट की जेब में कैसे आया मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। अबे अपने आप को तो बड़ा शाना समझता है ना, ये मेरा ही काम है। अब विवेक और खत्री में क्या अंतर है समझ गया ना? मैडम मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ये नेकलेस नहीं चुराया था। तुम भी बाहर निकल जाओ, निकल जाओ। विवेक, मैडम रुको, आपका दिल मेरे लिए जरूर बदलेगा, मैं जानता था। ऐसे खिचड़ी जैसे हाथ उठा लेगी। इनको जाने दीजिए, आगे का इंतजाम मैं देख लूंगा। तू देखेगा। नमस्ते जी। आइए आइए। आई आई। खत्री, मैडम तुम यहाँ क्यों आए? क्या है ना, कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? नहीं मैडम, आप ही ने कहा था कि मुझे शादी में सब कुछ देखना है, मगर अब ये मौका नहीं मिलेगा तो मैंने सोचा उस भीड़ में खड़ा रहकर सब देख लूं। शट अप। देखो आज के दिन मैं यहाँ पुलिस को बुलाना नहीं चाहती, चुपचाप चले जाओ। मेरी बात तो सुनिए मैडम। मैडम बेटा, क्या कहा? दामाद जी गायब है, कहाँ गए होंगे? सब जगह देखा? सब जगह देख लिया। तो फिर कहाँ गए होंगे? ए, दामाद जी कहाँ है? दामाद जी? दामाद जी यहाँ नहीं है, कहाँ छुपाया है? दामाद जी यहाँ नहीं है तो यहीं कहीं होंगे आप। तो ड्रामा मत कर, पैसे के लिए तू कुछ भी कर सकता है। अगर मैडम, लगता है तूने भाई से पैसे लेकर ये सब काम किया है। तूने भाई से पैसे लिए? नहीं मैडम, मेरा यकीन कीजिए मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैडम मैडम, मैंने शादी के लिए इतनी मेहनत की है, आप अच्छे से जानते हैं ये बात। मैं क्यों आपके? खतरे खतरे, अपने दामाद जी को तीन गुंडे पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैडम शादी की तैयारी कीजिए, मुहूर्त से पहले देखना दामाद जी यहाँ होंगे। आप लोग कौन है, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरे तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। ए दामाद, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं बाल पांडे से है, और बाल पांडे की दुश्मनी माँ लक्ष्मी से है, जिसकी लड़की से तुम्हारी शादी होगी और जो तुम्हारी सास बनने वाली है। इधर हम तुझे जान से मारेंगे और इल्जाम बाल पांडे पर आएगा। बकरे की तरह मैं मत कर, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ले, हम लोग तुझे धीरे धीरे करके काट डालेंगे। ए, पकड़ उसको। छोड़ मुझे। Oh!
कुछ हुआ तो नहीं? मैडम ये सब बातें बाद में करना, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो मंडप में। सॉरी मैडम, अब ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? सगाई के दिन आपके भाई ने नाटक किया था, आज शादी के दिन मेरे बेटे की जान खतरे में है। अगर आपकी लड़की से शादी हुई तो हमारे लड़के की जिंदगी पर हर रोज खतरा रहेगा। सॉरी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। सुनिए आप लोग, इस जगह पर किसी आम आदमी की बेटी की शादी नहीं हो रही। हम भाई बहन के बीच 15 साल से झगड़ा हो रहा है। अगर ये शादी होगी ना तो मेरा भाई आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, ये शादी होने दीजिए। सॉरी मैडम, बिल्कुल नहीं हो सकती। दामाद जी, मैंने आपकी जान इसलिए बचाई ताकि मैडम की इज्जत बनी रहे। आप मंगलसूत्र पहना लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो खत्री, जैसे तुम अपनी मालकिन की बात मानते हो वैसे मैं अपने पिता की बात मानता हूँ। सॉरी सर, सर आप ही समझाइए। दामाद जी जल्दबाजी में आपको फैसला मत कीजिए, लड़की की जिंदगी का सवाल है। दामाद जी सर, सर सर आप तो उम्र में बड़े हैं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरी बात मान लीजिए, ऐसा मत कीजिए सर। नमस्कार सिस्टर, इस गांव में मेरी आंखों के सामने तू अपनी लड़की की शादी करवाएगी, तूने चैलेंज किया था, अब क्या हो गया तुम्हारे चैलेंज का बहना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटी, मेरे दोस्त का पोता MBA की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी कर रहा है, बस एक फोन करने की देर है, वो तुरंत यहाँ आ जाएगा, इसी मंडप में दोनों की शादी करवा देंगे। क्या सोच रही हो? इस दुनिया में किसी भी कोने पर अपनी बेटी की शादी मैं करवा के रहूंगी, लेकिन तुम लोगों से नहीं। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाने की कोशिश की मगर तुम नहीं मानी। बैंकॉक वाला भी लड़का चला गया और मेरे दोस्त का लड़का तुम्हें पसंद नहीं। अब इस समय तुम्हारी लड़की के गले में मंगलसूत्र कौन पहनाएगा? अब तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ एक ही लड़का है, ये मवाली। क्या बोला तू? खत्री अपना स्टेटस देखो, इस मवाली से शादी करवाओगी? इनकी रक्षा और देखभाल करने के लिए ये खत्री हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा। मैडम आप शगुन ले लीजिए, मैं इसे देख लूंगा। सर 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 आप तो उम्र में बड़े हैं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। खत्री तुम अभी को मंगलसूत्र पहनाओ। मैडम मैंने कहा ना पहनाओ। मैडम आप ये जिद कर रही हैं मैडम, कहाँ आप लोग और कहाँ मैं। तुमने कहा था ना कि तुम हमारी रक्षा हमेशा करोगी, अगर ये सच है तो पहनाओ। रक्षा तो मैं करूंगा ही मैडम, मगर ये शादी। खत्री तूने ही तो कहा था कि 5 करोड़ रुपए हासिल करने, अब भी मौका है, हाँ बोल दे। मैडम यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैडम वो सब तो मैंने देखा ही, और आखिर सवाल आपकी इज्जत का है, और मुझे आपको शर्त भी तो जितवानी है, इसीलिए सिर्फ आपके लिए मैडम मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मम्मी क्या हो रहा है ये? अभी तुम जानती हो ना मैं जो भी कुछ करूंगी तुम्हारे भले के लिए होगा ना। मैं मानती हूँ लेकिन इस तरह। अभी तुमने अगर ये शादी नहीं की तो तुम माँ को खो दोगी। नमस्ते भैया, मैंने जो तुमसे शर्त लगाई थी वो मैंने जीत ली। क्यों हंस रहे हो? जीत तुम्हारी नहीं मेरी हुई है। ये क्या बक रहे हो? जिसने तेरी लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाया वही मेरे दोस्त का लड़का है, मैंने उसे पाला। नमस्ते सासू माँ। हाँ सासू माँ, इन्होंने जो भी कहा 100% सच है, ये मेरी आंटी, ये अंकल और ये मेरी पूरी फैमिली, सही है ना दादी? एकदम सही। मेरा पोता। अरे मवाली तुमने हमारे भरोसे का गला घोट दिया। तो मैं और क्या करता सासू माँ, इनका नाम लेकर अगर मैं घर में आता तो आप भगा देती, इसीलिए मैं आपके पास एक नौकर बनकर आपकी नौकरी करने लगा। बातें तो होती रहेंगी, घर चलिए सासू माँ। तेरे साथ जाएगी? ऐसा नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तो। अब पूरे रीति रिवाज के साथ ये मेरी पत्नी है, इसलिए कोई भी गलत कदम मत उठाना, समझी? सासू माँ अब तक मवाली बनने का ड्रामा किया, जरूरत पड़ी तो असली मवाली बन जाऊंगा। हाँ
हाँ तू भी ले। हाँ? ले ले। मैंने जब से अभी का घर छोड़ा खाने के लाले पड़ गए और ये यहाँ पैसे बांट रहा है। मुझे लगता था गवर्नमेंट ने फोकट में अभी तक टीवी दिया, चावल दिया, ये 500 हजार रुपए के नोट कब से देने लग गई। तू नया आया क्या? ये पैसे 10% ब्याज पर ले रहे हैं। 10% ब्याज पर इतनी क्या जरूरत पड़ गई? बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है क्या? भाई बहन की शादी करवानी है क्या? तो फिर क्या अपने माँ बाप का ऑपरेशन करवाने के लिए? इसके लिए भी नहीं भाई, इस सब के अलावा और क्या जरूरत हो सकती है? अभी तक पता नहीं चला क्या? जल परी पर पैसा लुटाने के लिए बांट रहा हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही मटक रहा है, मैं भी चलकर देखता हूँ कौन है ये जल परी। अरे कैमरे करती है वो, क्या नाचती है वो। एक बार उसको छूने के बहाने हम पैसे लुटाते हैं। अरे बेवकूफों, ये हमारा देश वर्ल्ड बैंक से पैसे उधार लेकर रॉकेट चांद पर भेज रहा है। हा? और तुम लोग एक लड़की पर पैसा लुटाने के लिए इस लोकल बैंक से पैसा ले रहे हो। तूने मेरी चंपा को देखा है क्या? उसके जलवे को देखा है क्या? उसकी कमर की लचक, उसके लाल लाल देखकर तो तुम पागल हो जाओगे। उसके गोरे गोरे गाल, वो नीली नीली आंखें। ये क्या है? ये तो बिल्कुल हीरोइन की तरह नाच रही है। इसके पास कोई काम नहीं है क्या? हो सकता है यही वो महालक्ष्मी जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो चांस मार के देखता हूँ। ज्योतिषी का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? हाय हाय। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओहो ज्योतिषी, पिंजरे में रखने वाले तोते को तू 5 रुपए का चावल नहीं खिला सकता, मगर इस रोड पर नाचने वाली मैना पर तू 500 रुपए का नोट चिपका रहा है। मुझसे कहा 35 किलोमीटर दूर महालक्ष्मी मिलेगी और यहाँ इस महालक्ष्मी के साथ खेल खेल रहा है। क्यों, तेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उस लड़की की शादी हो गई। वो सब मैं जानता हूँ। उस लड़की ने एक लड़के से सगाई कर ली। हाँ, वो बैंकॉक का रहने वाला है। शादी दूसरे से कर ली। हाँ, वो लोकल गुंडा है। अब वो रहेगी तीसरे के साथ। और वो कौन है? और वो तू है। मैं हूँ, क्या कह रहे हो? विवेक, तू इस तरह इधर उधर मत भटक, वो तेरे लिए ही बनी है, तू वापस जा। So, उस खत्री ने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी की और अब आपको मारने की भी धमकी दे रहा है। हाँ यस मैडम, अगर उसे छोड़ दिया तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्लीज उस पर कोई एक्शन लीजिए। ठीक है, आप जो बोल रही है अगर वो प्रूव हो गया तो सेक्शन 366 के तहत उसे 7 साल की जेल और आप पर चाकू फेंक कर जान लेने की कोशिश करने पर फिर उसे 506 पार्ट 2 के तहत 6 महीने और इतने साल जेल रहेगा, सुधर जाएगा। कांस्टेबल नमस्ते मैडम। आप यही है मैडम, वो खत्री। अरे खत्री नहीं मैडम, के खत्री, MBA, सन ऑफ BA खत्री, ग्रैंड सन ऑफ GA खत्री, हस्बैंड ऑफ अभिलाषा एंड द ओनली सन इन लॉ ऑफ मैडम महालक्ष्मी। ठीक है, तुम कह रहे हो तुम इनके दामाद हो और ये कह रहे हैं कि इनकी लड़की से तुमने जबरदस्ती शादी की और ब्लैकमेल कर रहे हो, सच क्या है बोलो। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा मैडम, जवाब मेरा PA दे देगा। 1 मिनट, मिस्टर प्रेम पुजारी। I'm Prem Pujari, age 42, MSc Computer Science, son of Virappan and grandson of... Shut up! Thank you. तुम क्या कहना चाहते हो? कहूंगा नहीं, दिखाऊंगा। खत्री, तुम मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाओ। मैडम, मैंने कहा ना पहनाओ। मैडम, आप ये जिद कर रही हैं मैडम, हाँ आप लोग और हाँ मैं। तुमने कहा था ना कि तुम हमारी रक्षा हमेशा करोगे, अगर ये सच है तो पहनाओ। That's all, मैडम। ये क्या मैडम, आप कह रही थी इसने आपकी लड़की से जबरदस्ती शादी की है, पर आपने तो अपनी बेटी की शादी खुद इनसे जबरदस्ती कराई है, ये चल क्या रहा है? हाँ ऐसी बात नहीं है मैडम, इनकी लड़की तो ये शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो तो इनके रचाए जाल में फंस गई। इन्होंने कहा शादी कर लो वरना जान दे दूंगी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह की कंप्लेन तो मैं भी कर सकता हूँ और इंडियन पिनल कोड सेक्शन 506 पार्ट ई के तहत मैडम को 3 साल की कैद होगी।
ये मेरी सासू माँ है इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। आप भी इनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। देख लिया सासू माँ, आपकी पहली ही बॉल पर सिक्सर लगा दिया। ये सब हरकतें छोड़कर अपने बेटी के बाल में गजरा लगाकर उसे मेरे पास भेज दो। एक साल में तुम्हें नानी बनने का मौका दूंगा, उसके बाद हम पार्टी करेंगे। तू मुझे प्रमोशन देने की बात करता है, मैं तुझे साड़ी खरीद कर दूंगी, पता चल जाएगा। उस साड़ी को मैं पहनूं या तेरी बेटी से होने वाले मेरे बेटे को उसमें झूला झुलाऊं, इस बात का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। फिर आप भी देख लेना, चलता हूँ। हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं, ये उसे बता कर चलते हैं, डरने की क्या जरूरत है। हाँ, डरता कौन है, वो कोई बड़ा आदमी है जो उसे बता कर जाएंगे। हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, फिर देखते हैं वो हमारा क्या कर लेगा। कुरियर है मैडम। क्या है? एक पार्सल है, यहाँ पर साइन कर दीजिए मैडम। मैं आ गया। विवेक तू? हाँ। पार्सल में क्यों आया? मैं पार्सल में क्यों आया जानती है क्या? आप सेल फोन नहीं उठा रही हैं, लैंडलाइन नहीं उठा रही हैं, दरवाजा भी बंद कर रखा है, इसलिए मैं कोरियर से आया। हाँ। इतनी मुश्किलों का सामना करके क्यों आया? इस घर में कोई आदमी नहीं है ना, खत्री आप लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, उससे हो रही परेशानियों को खत्म करने आया हूँ मैडम। ऐसी बात नहीं है मैडम, इस घर के नमक को मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। तो फिर तुम पानी पीने आए हो? नहीं, मैं इस घर में रहने का फैसला कर चुका हूँ। ये तो अच्छी बात है। अभी थैंक यू, कम से कम तुमने तो मेरे दिल का हाल समझा। आज ही हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं। तो कह दो, मुझे देखकर ट्रिप कैंसिल कर दिया। नहीं, हम लोग दूसरी फ्लाइट से बैंकॉक जाएंगे। हमारा सारा सामान अंदर है, तुम इसे लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाओ। कुली को जो देते हैं वो तुम्हें दे दूंगी। मैं तो अभी को पिकअप करने आया था, ये तो टिप देने की बात कर रही है। आहा, यहाँ तो पिकअप करने आया था और ये लोग पैकअप कर रहे हैं। लेकिन विवेक हार नहीं मानेगा। क्या हुआ दादी? हमारे गांव में शहर से एक लड़की आई है, वो पीने के पानी में नहा रही है, सारे गांव के बुड्ढे वहीं पे जमा है। ए, जल्दी बाहर आ। मौका मिल गया मौका, रोका रोका किसने रोका, मौका मौका मिल गया मौका। ए, देख क्या रही है? मेरा नाम ए नहीं है, चंपा रानी हूँ मैं। तो तू पीने के पानी में नहाएगी? ए, रुक रुक, इधर निकलो। आजा 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 मेरे शेर के बच्चे। ए, अब तेरी साड़ी मेरे हाथ में, अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत फ्री लग रहा है। शाबाश। अबे स्क्रू ढीला है क्या इसका? अभी इसे मजा चखाता हूँ मैं। ए, जाके वॉल्व खोल दे। धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है, अब तो पूरा नजारा देखने को मिलेगा। आज के दिन चश्मा भूलना था। अरे तू घर जा चश्मा लेकर आ जा, तब तक तो शो खत्म हो जाएगा। देखो ये अच्छी बात नहीं है। अब बता बाहर आएगी या नहीं? मैं ऐसे कैसे बाहर आ सकती हूँ? मैं माफी मांगती हूँ, मेरी साड़ी दे दो। अब आई ना रास्ते पर, प्रेम पुजारी वॉल्व बंद कर दो। ये क्या बेटा, इसने तो हमारे पीने के पानी को खराब कर दिया है। इस पूरे पानी को निकल जाने दो, पानी निकलेगा तो जलपरी दिखेगी ना। तू निकलो यहाँ से वरना एक एक की टांगे तोड़ दूंगा। ए, साड़ी पहन और बाहर आ। सारे बुड्ढे सठिया गए, सुधर जाओ। मौका मौका मिल गया, मौका
निकलो यहाँ से। क्यों खुद की जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं और यहाँ समाज सेवा कर रहे हो? यहाँ से गया नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहाँ रहने आया था मगर वो लोग जा रहे हैं। क्या बोल रहा तू? अभी और उसकी माँ दोनों बैंकॉक जाने के लिए निकल भी चुके हैं। डाला अब हमारी जान लेना चाहते हो? गांव का पानी, विदेश का पानी, घाट घाट का पानी पिया है आपने। मैं भला आपको कैसे मार सकता हूँ? मैं बस अपनी पत्नी को रोकने के लिए आया था सासू माँ। कानून के हिसाब से डाइवोर्स लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके लिए कम से कम 2 साल लगेंगे, चलेगा आपको? आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे, वो पूछेंगे मामला क्या है, आप कहेंगी दहेज की बात है, मैं कह दूंगा सब झूठ है। फिर आप कहेंगी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं कहूँगा आपकी लड़की को मेरे साथ भेजो, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। घूम फिर कर केस खत्म होने में 2 साल जाएंगे। बैंकॉक में रहने वाली आप 2 साल तक इस गांव में रुक पाएंगी? मुझे 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। उतने वक्त में आपकी बेटी को अपना नहीं बनाया तो उसे डिवोर्स दे दूंगा। मगर ये 1 हफ्ता आपकी बेटी को मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे परिवार के साथ रहना होगा। मैं समझ गया, आप घबराइए मत। आपकी बेटी की इजाजत के बगैर मेरी एक उंगली भी उसे छुएगी नहीं। 1 हफ्ते के अंदर अगर मैंने अभी का दिल नहीं जीत लिया तो उसे खुद बैंकॉक तक छोड़ कर आऊंगा। ये मेरी शर्त है, मंजूर है? जितनी जिद तेरे में है उतनी जिद मुझ में भी है, और हम दोनों से ज्यादा जिद्दी मेरी बेटी भी है, समझे? उस 1 हफ्ते में मैं आपकी बेटी का मन ही नहीं, आपके मन में भी जो हमारे परिवार की नफरत है उसे दूर कर दूंगा। हमारे घर के बाहर आपको सजावट करने पर मैं मजबूर कर दूंगा, वरना मैं अपने बाप की औलाद नहीं और आपका दामाद भी नहीं। चलो देखते हैं, ये भी देख लूंगी, तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है। आओ आओ बेटी, आ जा। शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई हो, आज ही की तरह हमेशा खुश रहना बेटा। इसे देखकर मुझे मेरे डैडी का खून याद आता है। शादी के बाद तुम पहली बार इस घर में आ रही हो, इस बर्तन को तुम अपने दाएं पैर से गिरा दो, फिर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। स्टूपिड सेंटीमेंट्स। और दादाजी, 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 ये तुम हैं? अरे दादाजी, आपने छोटी सी चोट है, छोड़ो जाने दो। अरे छोटी सी चोट है बेटा, ठीक हो जाएगी। ये बहुत सालों से विदेश में रही है, हमारे रीति रिवाज ऐसे क्या मालूम। ये हमारे साथ रहेगी तो सब कुछ धीरे धीरे सीख जाएगी, तुम इसकी चिंता मत करो, छोड़ो जाने दो, आखिर हमारे घर की बहू है ना ये। क्या तुम सच बोल रही हो? मम्मी, मैंने जो कहा वो सब सच है, सब लोग मुझे यहाँ कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, या शायद प्यार करने का नाटक कर रहे हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हर हाल में जीतेंगे।
ये घुमसुम क्यों बैठी हुई है? ए चंपा रानी, हम तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ आकर बैठी हुई है। हाँ, खत्री ने पानी का वॉल बंद नहीं करवाया होता तो उस दिन तो पूरे गाँव वालों के सामने मेरा बच्चे को साड़ी खींचने को कहा था, भूल गई? अगर उसने समय पर साड़ी ना दी होती तो मेरी तो इज्जत ही मिट जाती। अरे पाइप का वॉल भी तो उसने खुलवाया था, साड़ी भी तो उसी ने उतरवाई थी। ए, पहले मेरी बात सुनो, तुम लोग तबला बजाना शुरू करो और मैं गाना बजाना शुरू करता हूँ, फिर देखो ये अपने आप ही नाचना शुरू कर देगी। चलो शुरू करो। तूने 7 दिन के अंदर अभी मेरी हो जाएगी कहा था ना? रुक जा, तेरे लिए अभी 6 फीट का गड्ढा खोदता हूँ, सॉरी 8 फीट का। क्या विवेक, मैंने तुम्हें गांव में आने के लिए बोला था, गोली चलाने के लिए नहीं। अरे ज्योतिषी, तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे तूने तो कहा था अभी अगर किसी की होगी तो सिर्फ मेरी, लेकिन वो तो दूसरे वाले का हाथ पकड़ कर चली गई, लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर से कहता हूँ, वो 1 हफ्ते ही उसके पास रह पाएगी, उसके बाद सारे गांव में भीख मांगेगी क्या? देखना वो तुम्हारे पीछे आएगी। तू ऐसे एक्सटेंशन कर करके आइडिया देगा तो आखिर में वो बूढ़ी हो जाएगी, तब जाके मेरे हाथ में आएगी क्या? मैं उस दूसरे गधे को जान से मार दूंगा, इसीलिए मैं अभी से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। विवेक विवेक, गोली मत चलाना, तू फंस जाएगा। पहले तो तुझे मारूंगा। हाथ में लोटा लेकर आप लोग इकट्ठे आए हैं, आप लोग हैं कौन? टॉयलेट एसोसिएशन के मेंबर हैं। ओ, आप वही लोग हैं क्या? पहले से आप लोगों की गिनती कुछ ज्यादा हो गई है, एसोसिएशन डेवलप हो गई क्या? ए, उस दिन एसोसिएशन के एक मेंबर के सर पर डंडा मारा था, आज लीडर के पिछोड़ा। कौन है आपका लीडर? अरे मैं ही हूँ। सर मैंने आपको कहाँ पर गोली मारी है? अरे यहीं पर। आई एम वेरी सॉरी सर, सामने कोई दिखाई नहीं दिया इसलिए पीछे गोली चला दी, मुझे पता नहीं था कि आपको गोली लग जाएगी सर, मैं माफी चाहता हूँ, बात को आगे मत बढ़ाइए। ए, बात तो तू नहीं बढ़ाई है, देख कितना खून भरा है उसका। ए, इससे ज्यादा बात क्यों कर रहे हो, जाओ पंचायत बुलाओ, सरपंच को जगाओ रे। अरे इस बुड्ढे की शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। हमारी आज्ञा के बिना चींटी भी नहीं काटती, फिर ये गलती किसने की? गांव की सारी चींटियों के दांत तोड़ दिए क्या? क्या कर रहे हो? ए, आगे देखो कौन है वो। मालिक, इसकी आ रही है इमोशनल प्रॉब्लम है क्या? इमोशनल प्रॉब्लम? इसको देखकर नहीं लगता कि ये मेरा ही बेटा है? तो आपने किसकी जिंदगी बर्बाद की? ये तो मुझे पता नहीं, सिटी बस जहाँ जहाँ रुकती थी वहाँ उतरकर कुछ दिन ठहर कर दूसरी बस पकड़ लेता था। ठीक है ठीक है, बहुत दिनों के बाद हमें पंचायत में बैठने का मौका मिला है, फैसला कीजिए। आपके ऊपर सबकी निगाहें हैं, आपने अगर सबको बता दिया तो आपकी इज्जत का क्या होगा? ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया बताओ? भैया अब हम आपको क्या बताएं, इसकी नजर पहले से ही हमारे एसोसिएशन पे थी, आज सुबह सारे मेंबर मिलकर गांव में मीटिंग कर रहे थे तभी इसने पिछवाड़े में गोली मार दी। ये दिन भर में एक काम तो सही ढंग से करते हैं, तुमने उसी जगह गोली मार दी। मैंने तो बतख समझा था, वो जगह तुझे बतख लगती है, आदमी और बतख में अंतर नजर नहीं आता। गोली तो अंदर तक घुस गई है। अभी फैसला करता हूँ इस बात का। मालिक, आज हम तुझे ये सजा देते हैं कि 6 महीने तक चाहे तू पैंट पहने या धोती, मगर चड्डी नहीं पहनेगा तू, नहीं पहन सकता, नहीं पहन सकता। छह महीने तक चड्डी नहीं पहन सकता, चोरी से पहन लिया तो क्या पता चलेगा? नॉनसेंस। मेरे बेटे। बेटा? मेरे फैसले से नाराज मत होना, तू तो मेरा बेटा है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो मेरी माँ कौन है बताओ? माँ? 28 साल पहले मंदिर के पास एक मेला लगा था, वहाँ से तेरी माँ खो गई थी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ को तुमने कहीं छुपाया है, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं। Hey!
किस नाम से पूजा करनी है? अभिलाषा। अनुष नक्षत्र। वृश्चिक राशि। सिंह लग्न। वरवधु थाल पर हाथ रखें। अभी तुम भी थाल पे हाथ रखो ना। शट अप, मैं यहाँ सिर्फ 7 दिनों के लिए हूँ जिसमें से 1 दिन पूरा हो चुका है। आप लोग पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए। मैं जा रही हूँ। आंटी इस गजरे को ले लो ना। मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। प्लीज आंटी, भगवान के फूल है आंटी, आप इसे ले लो ना। मैंने कहा ना नहीं चाहिए, तुम जाओ। आंटी प्लीज ले लीजिए। एक बार मना किया ना। इतना गुस्सा बच्चे पे क्यों उतार रही है? बच्ची पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? इस तरह बचपन में तुम्हारे अंकल की वजह से मैं और मेरी माँ अनाथ हो गए थे, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? जबान संभाल कर बात करो। ए, तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। जाती है तो जा, मगर जाने से पहले मेरी एक बात सुनती जा। तेरे पिताजी को मेरे अंकल ने नहीं मारा, जानती है सच क्या है? तुम्हारे पिताजी का एक रिश्तेदार जो देशी दारू की भट्टी चलाता था, उसके 2 लड़के भी। बेटा कितने साल हो गए तुमको देखे हुए? आप कैसे हैं चाचा जी? तेरे पिता के मरने के बाद मैंने मजबूरीवश तुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया था, इसीलिए तुम उससे नाराज हो गया ना। मैं हमेशा यही चाहता था तू अपने परिवार का सारा दुख दर्द भूलकर पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बन जाए। अब तो तू कलेक्टर बन गया है मेरे बेटे, तुमने मेरा सपना सच कर दिखाया है बेटे। ये दोनों तुम्हारे भाई है, ये बड़ा राजेश है और ये छोटा भाई मंगेश है। ए अपने भैया को हार पहनाओ। हेलो भैया। ए फोटो खींच। स्माइल प्लीज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे तुम लोग कलेक्टर के रिश्तेदार हो और मेरे सामने इस तरह हाथ बांध कर खड़े हो? अपनी बिरादरी के स्कूल को हमें और आगे बढ़ाना है, इसके लिए कलेक्टर की परमिशन चाहिए। अगर आप लोग चाहे तो ये काम आसानी से हो सकता है। अभी ये 1 लाख रुपए एडवांस ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। परमिशन मिल जाने के बाद और 10 लाख दूंगा। इसे रख लो भाई, मना मत करो। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बिरादरी वालों की मीटिंग है। ये क्या, हम लोगों ने तो इनसे पैसे ले लिया है, मगर कलेक्टर साइन करेगा या नहीं? मुझे पता है वो नहीं करेगा। तो फिर देसी दारू बनाने वाले हम लोग क्या छोटे मोटे साइन की नकल नहीं कर सकते क्या? कलेक्टर की साइन करके सारा पैसा हम लोग रख लेंगे और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे पिता के नकली साइन करके उन लोगों ने एक स्कूल बनवाया जो गिर गया और जिसमें कई बच्चे मारे गए। तेरी इस नीच हरकत की वजह से जानता है कितने बच्चे मौत की नींद सो गए? ये जान के हम क्या करेंगे, जो कुछ होना था वो तो हो गया ना, अब आगे क्या करने का है? तू अपना कमीशन बता, हम तुझे दे देंगे। मुझे कमीशन देता है? हाथ लगाता है। सुनिए मालिक, आपके जीजा जी के नकली साइन करके उनके रिश्तेदारों ने स्कूल बढ़ाने का परमिशन दिया था और आज सुबह सुबह उस स्कूल की छत गिर गई, स्कूल के सैकड़ों बच्चे दबकर मर गए मालिक। अरे मैंने अपने जीजा को गलत समझा, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस समय वो कहाँ है? बेटा ये तुम्हारे छोटे भाई है बेटा, भाई कलेक्टर है इसीलिए इन्होंने ऐसा किया, इन्हें माफ कर दो बेटा, ये तुम्हारे छोटे भाई है बेटा, एक बार इन्हें फिर से माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बेटा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़। ए जान से मार दे इसको। यहाँ से जल्दी निकलो, चलो। चीता जी, चीता जी, चीता जी,
चीचा जी, आपका ये हाल किसने किया बताइए मुझे, किसने किया आपका ये हाल बताइए मुझे, चीचा जी किसने किया, उठिए उठिए, ये चीचा जी, चीचा जी, चीचा जी। मेरे अंकल के हाथ में चाकू देखकर तुम्हारी माँ ये समझ बैठी कि उन्होंने ही तुम्हारे पिता को मार दिया, मगर जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा मेरे अंकल ने उनका पता लगाकर उन्हें सजा दिलवाई, मगर फिर भी तुम्हारी माँ ने उनका यकीन नहीं किया और उन्हें कसूरवार समझ बैठी। मेरे डैडी ने चड्डी ना पहनने की सजा दी है, पर चड्डी ना पहनने से तकलीफ कितनी होती है वो क्या जाने, पैंट पहनना ही बंद कर दिया, चेन बंद करने से बड़ी तकलीफ हो जाती थी कभी कभी, इसलिए मैंने धोती पहनना ही शुरू कर दिया। कोई अर्जेंट काम होता है तो बस धोती उठाओ और काम आसान हो जाता है। पानी के पास दांत घिस रहा है, दूर जाके नहीं घिस सकता, क्यों दूर खड़ा होकर दातुन करूं? अब इस बेवकूफ को मैं कैसे समझाऊं? हैं? इस तरह नानी पानी को देखकर सर पीट कर क्यों चली गई? इसमें क्या खास बात है जानना पड़ेगा, क्या खास बात है? हैं? हैं? सारा आसमान दिख रहा है, मेरा पैर भी दिख रहा है। अरे भगवान, ये तो मेरी इज्जत उतर रही है, इस तरह से तो मेरा तमाशा बन जाएगा। इससे पहले कोई और देखे इसका नामो निशान मिटा देता हूँ। हट जा। हैरी पॉटर, पावर रेंजर्स, स्पाइडरमैन, इससे भी बढ़कर अच्छी कहानियाँ तुझे सुनाई होगी, और उनकी बातों में आकर तुम अपनी माँ से सवाल कर रही हो। एक छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी नानी तक सबने इस घर को मिलाने की कोशिश की है, वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे माँ? इस बात का जवाब है आपके पास? ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं, हमारे पास करोड़ों की जायदाद है और ये शादी के बाद ये सब तेरी होगी, और जायदाद के लालच में खत्री ने तुझे मंगलसूत्र पहनाया, हमारे बीच दरार पैदा कर रहा है, वो हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, और सारी जायदाद छीन के वो तुझे और मुझे भगाने का प्लान बना रहे हैं। अभी मुझे अपनी जायदाद छीन जाने का कोई गम नहीं, लेकिन मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मेरी बच्ची, अगर तुझे मेरी बात पर यकीन ना हो तो जाकर उनसे कहो कि सारी जायदाद मेरी मम्मी से जाकर मांगो, तब तुझे सारी असलियत पता चल जाएगी। सुनिए, आप कब तक इस तरह से घर का और खेतों का काम करते रहेंगे? आपने तो MBA किया है, खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? उसके लिए पैसे चाहिए ना, अभी अंकल खेतों के अलावा किसी और काम के पैसे नहीं देते। आपको अपने अंकल से पैसे लेने की क्या जरूरत है, मेरी मम के पास बहुत पैसे हैं और जायदाद मेरे नाम पर है। सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर है? जी हाँ, अब हम कल ही जाएंगे और मेरी मम्मी से सारा का सारा पैसा ले लेंगे। कल नहीं, अभी, हम आज जाएंगे, अभी इसी वक्त जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? अरे इतनी जायदाद के लिए सूटकेस चाहिए ना, मैं सूटकेस लेकर आता हूँ। आओ अभी, मम्मी है तो डर कैसा। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते वास्ते, छोड़ो पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, नगद पैसे लेने के लिए? इतना बड़ा सूटकेस और स्टाम्प पेपर लेके आए, लायर नहीं लाए? लायर की क्या जरूरत है, पहले मुझे सासू माँ से बात करने दो। कर लो कर लो। जाओ वहीं, मेरे साथ बैठोगे क्या? हाथ फैलाकर पैसे मांगने आए हो तो नीचे बैठ के बात करो। कला, चेयर अंदर लेकर जा। कला की क्या जरूरत है, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। अब कहाँ बैठेगा बोल तू? अरे सासू माँ से बात करने के लिए चेयर की क्या जरूरत, मेरे लिए यही काफी है। कला की साड़ी ले लिया, अब और क्या क्या लेगा पता नहीं। सासू माँ, कल तक मैं कुछ नहीं था, मगर आज मैं अरबपति महालक्ष्मी के बेटी का पति हूँ, और अभी आपकी एकलौती बेटी है, उसने मेरे अंदर अमीर बनने की इच्छा जगा दी, इसलिए मैं सूटकेस लेकर आपके यहाँ पैसे लेने चला आया। मैंने ऐसा सोचा कि अगर आप आपकी रामपुर की 100 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दे तो मैं अंकल के नाम से वहाँ फैक्ट्री डाल दूँ। ओहो, तो फिर गुजरात में जो जमीन है उसमें अपनी माँ के नाम से अचार की फैक्ट्री डालेगा? क्या आइडिया है सासू माँ, वो जमीन भी दे दो। हाँ हाँ, अब क्या पैसों की बारी है? फिर क्या, वो जो बैंकॉक की बैंक में 200 करोड़ रुपए है वो भी मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ हाँ, स्विस बैंक में जो गवर्नमेंट से छुपा के पैसे रखे वो भी तेरे नाम कर दे। विवेक, क्या विवेक, पैसों की बात कर रहा हूँ ना।
ये सारी डिटेल तो खुद बताएगा। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? शेयर मार्केट में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ये थोड़ी बताऊंगा। विवेक जरा इधर तो आओ। देखो मैडम मुझे कितने प्यार से बुलाती है, क्या बात है मैडम। अब जाओ जल्दी से अंदर। सासू माँ आप उसे तो बाहर कर सकती हैं क्योंकि वो आपका सर्वेंट है, मगर मैं आपकी बेटी का हस्बैंड हूँ। अब ये बताओ सारी जायदाद मेरे नाम कब करोगी? सासू माँ चुप क्यों हो गई? सासू माँ जल्दी कीजिए, अभी तुम ही इनसे कुछ कहो। दे दीजिए सासू माँ, यहाँ लिख कर दे दीजिए ना सासू माँ, दे दीजिए। मैं ऐसे भीख मांगूंगा यही सोचा था ना आपने? ये आपकी और आपकी बेटी की चाल थी ना सासू माँ। ये स्टैम्प पेपर मैं आपकी जायदाद मेरे नाम पर करवाने के लिए नहीं लाया था, मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, ये मैं इस पर लिख कर दूंगा। सासू माँ मुझे आपकी बैंकॉक की जायदाद नहीं चाहिए, रामपुर की भी नहीं चाहिए, गुजरात की भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही जायदाद काफी है, वो है आपकी बेटी। एंटी, इसी को कहते हैं सही क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स। इस कंप्यूटर के जमाने में बिना चड्डी के घूमने में कितना मजा आ रहा है। मुझे तो सरपंच की सजा मजा लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एयर कंडीशन मामी। क्या कहा तुमने, चड्डी नहीं पहनेगा? ऐसा ही घूमने वाले, शर्म नहीं आ रही तुझे? चल मेरी बात सुन बहना। अरे बहना इस छोटे से बच्चे पे क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या गलती की इसने? भैया देखो ना, स्कूल जाने की उम्र हो गई इसकी और चड्डी नहीं पहन रहा है। राम राम दीदी। रुकिए ना भैया, दिखने में तो आप पढ़े लिखे लगते हो, आप बच्चे को समझा के जाओ ना। समझाऊं इसे? अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ इसे। बेटा इतने दिनों तक तू छोटे बच्चे जैसा था, इसलिए तू बिना चड्डी के घंटी हिलाते हुए घूम रहा था, लेकिन अब तो तू बड़ा हो गया है ना, इसलिए अपनी माँ की बात मान और चड्डी पहन ले। मेरे हाथ छोड़ कर, तू भी तो इतना बड़ा हो गया है, फिर तू चड्डी क्यों नहीं पहनता बता? बड़ा आया मुझे चड्डी पहनाने वाला, चल जा। ऐसी बात नहीं बेटा, वो थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए डॉक्टर ने 6 महीने के लिए मना किया है। डॉक्टर ने कहा या सरपंच ने कहा? ओहो, सरपंच जी ने वो सजा तुझे दी थी तभी सारे बच्चे चड्डी पहनने से इनकार कर रहे हैं। चल भाग यहाँ से, आगे से यहाँ दिखाई दिया ना तो मुँह तोड़ दूंगी तेरा। बच्चों से लेकर बड़ों तक गांव की हर गलियों में खबर फैल चुकी है और इसकी वजह मेरा सरपंच बाप है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा, और उसके लिए मुझे अपनी माँ को ढूंढना पड़ेगा। माँ माँ माँ। पहले तो मेरे जीजा जी को मार दिया, फिर उनकी समाधि के पास बैठकर नाटक कर रहे हैं। ए खत्री, तेरे ससुर को इन्हीं लोगों ने मारा है, भगाओ इनको यहाँ से। ए, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उन्हें। बताओ मेरे ससुर को कैसे मारा था, बताओ। बेटी महालक्ष्मी देखो इन लोगों की गुंडागर्दी देखो, पहले तुम्हारे पति को जान से मार दिया और अब इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। हम तो 14 साल जेल में थे, आज ही हम लोग बाहर आए हैं। हम लोगों को रास्ते में आते आते ये खबर मिली कि इन लोगों ने आपके बेटी से धोखे से शादी की है, और अब ये सब लोग आपको धमकी दे रहे हैं और अब जबरदस्ती हमसे झूठ बुलवाना चाहता है। सासू माँ इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ससुर जी को मारने वाले यही लोग हैं और उस दिन दामाद जी को भी इन्होंने उठाया था। क्या कहा, दामाद को मंडप से उठाया? दामाद तो तू है ना, तुझे हमने कब उठाया? अरे इस बात को छोड़ो ना भैया, ये लोग खुद गुनाह करते हैं और इल्जाम को दूसरों के सर पे डाल देते हैं, ये तो इनका खानदानी पेशा है। भाभी तुम इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। नाटक करना बंद कर, तुझे तो मैं। खत्री भाभी देखो, खत्री इन लोगों को हम नहीं सुधार सकते, ना ही तेरी सासू माँ को। आओ चलो समाधि पे फूल चढ़ाते हैं। रुको, मैंने ये समाधि बनवाई है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मम्मी पिताजी पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है, और जितना मेरा है उतना ही मेरे पति का भी है। उस दिन मैंने कहा था ना उसके 1 वीक वाले एग्रीमेंट को मत मानो, अब देखा जायदाद नहीं चाहिए ये बोलकर चली गई, पति ही उसकी असली जायदाद है अभी समझ गई है।
उसकी भी गलती नहीं है। दारू पीकर पति मारे तो भी गांव की औरतें उसे भगवान समझकर पूछती हैं। आधी पागल है सारी। आगे क्या करना है ये पहले बताओ। मैडम आप खुद ही उनके सामने इतना झुककर बात कर रही हो तो मैं भी आज आपसे जो मेरे दिल में है सारी शर्म त्याग के आपसे पूछता हूँ, क्योंकि इस घर में आप और मैं अकेले हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज की रात। हाँ? कितने बजे मैडम? फालतू बात छोड़, आगे क्या करना है बोल। बताता हूँ, एक सांड के साथ गाय जा रही है और उस सांड को गाय से अलग करने के लिए मन मोह लेने वाली छमिया लानी होगी। पांच, आज है पांचवा दिन। आज के दिन इस खत्री का मान सम्मान लुटने वाला है। अभी वो अकेला है, मैं इस मुर्गी को उड़ाऊंगा। तू मुर्गी पकड़ने के बहाने जाएगी जरूर, मगर तू मेरी उड़ाई हुई ये मुर्गी नहीं पकड़ेगी, उस मुर्गे को पकड़ेगी। अपनी नजरों के ऐसे तीर चलाना कि वो मुर्गा घायल हो जाए, तेरे पीछे पीछे घूमने लगे, और मैं अभी के साथ सेटल हो जाऊंगा और तुझे ढेर सारा इनाम दिलाऊंगा। ओके ए, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने भी यहाँ नया घर लिया है, रहने के लिए आई हूँ। हमारे घर के पास क्यों? वो क्या है कि क्या है? वो मैं अपनी मुर्गी को ढूंढ रही थी, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहीं आ गई है। तुम यहाँ आई हो, ये मेरी नानी ने देख लिया तो मुझे और तुम्हें दोनों को खा जाएगी। चल निकल यहाँ से। मेरी मुर्गी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली, तुम अगर मेरी मदद कर दोगे तो उसे लेकर मैं सच में चली जाऊंगी। मैं तेरे साथ मुर्गी पकड़ूं? चल मेरे साथ। कहाँ है मुर्गी? देखो वो है। आओ अभी आओ, अपने पति की करतूत देखो, घास के अंदर कसरत कर रहा है। वो क्या है इसकी मुर्गी? इसलिए मैंने कहा था ना घर पे लेके मत चलो। ए, क्या बोल रही है? अब तुम संभालो, मैं चलती हूं। अभी ये झूठ बोल रही है। देखा अभी, तुम्हारी शादी की मेहंदी भी नहीं सूखी और ये दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ के तुम्हारा पति तुम्हें खुलेआम धोखा दे रहा है। नहीं, अभी उसी की मुर्गी पकड़ने के लिए अंदर गया था मैं। तुझमें क्या कमी है? क्या तुम अभी भी इसके साथ रहोगी? क्या ये सब देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं? इस अन्याय के लिए तुम गांव को इकट्ठा करके चिल्ला चिल्ला कर न्याय मांगो, मेरी बात समझ में आई? हेलो। क्यों दामाद जी, धड़कन तेज हो गई? पकड़ा पकड़े खेल रहे थे क्या? मुर्गी पकड़ में आई कि नहीं बोलिए ना। मुर्गी मुर्गी, आप ये सब करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सासू माँ। कल सुबह 12 बजे से पहले मेरी बेटी तेरे मुंह पर थूक कर नहीं आई ना, तो मेरा नाम भी महालक्ष्मी नहीं। और उसी मुंह से अगर वो आप पर थूक कर मेरे पास नहीं चली आई तो मैं भी अपनी माँ का बेटा नहीं, अपने दादाजी का मैं पोता भी नहीं, अपने पिताजी का मैं बेटा भी नहीं, और अपनी सासू माँ महालक्ष्मी का दामाद नहीं, और ना ही मैं अपनी पत्नी अभी का पति कहलाऊंगा। मंजूर है आपको? मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, इंतजार कीजिए कल 12 बजे। देवी देवी माँ, गांव के फैसले सरपंच करता है, मुझे भी पंचायत में पूरा न्याय मिले ऐसी कृपा करो देवी माँ। हाँ, न्याय? मेरे दिल को समझकर मुझे तलाशता हुआ जल्द से जल्द वापस आ जाए माँ। दिल की भावनाओं को समझकर जल्दी ही लौट आना, इसमें कोई शक नहीं है, यही मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। माँ 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 माँ, तू ही मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है, और इस गांव का सरपंच मेरा बाप है। तू मेरे बाप के लिए प्रार्थना कर रही थी ना? मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। क्या? मैं उसके लिए नहीं, भगवान से इसके लिए प्रार्थना कर रही थी। कौन है ये? शालिग्राम तात्या, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मगर न्याय के बारे में कुछ कह रही थी भगवान से। हाँ, वो हर गांव में जाकर सत्संग सभा में बैठकर प्रवचन देते हैं। हो, तो तू प्रवचन देने की बात कर रही थी, मैं सोचा पंचायत की बात कर रही है तू। अच्छा ये बता, तात्या और तुम्हारे बीच में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं बेटा,
प्यार है ये। प्यार है? अच्छा तुम दोनों का पैचअप कैसे हुआ? बेटा रोज वो टीवी में कहानी सुनाते थे। हाँ। अच्छी अच्छी कहानी मैं सुनती हाँ। थी। मैं उसको देख देख कर ही बस प्यार हाँ। करने लगी। ये मेरा एक तरफा प्यार है। वन साइड लव है। ऑल साइड तेरी वीक हो गई है और तुझे वन साइड लव है। ए नानी, वो तो दो दो जगह काम करता है, ऑलरेडी उसको दोनों तरफ से तकलीफ है। और तू बीच में कहाँ से आ गई? अब वो तुझे लेकर कहाँ जाएगा मुझे ये तो बता। वो तुझे कहाँ रखेगा, कहाँ सुलाएगा ये तो सोच नानी। क्या मेरे शालिग्राम की शादी हो गई? कैसे हो गई? अब मैं इसके बिना क्या करूँगी? प्यार करने वाली माँ, प्यारे बड़े बड़े लोग, प्यारे से ये प्यारे बच्चे, पुरानी ये नानी जी, कल मिलेंगे फिर चलेंगे। देखा, तेरे खेत को अपना खेत समझकर नारियल कितने प्यार से छील रही है। तेरे कहने पर मैंने शहर में जाकर इसके बारे में सब पता किया। इसका नाम तो चंपा रानी है और उसकी माँ का नाम अनारकली था और उसकी नानी एकदम बिल्लो रानी थी। इन लोगों का पेशा है गांव-गांव में जाकर नाच गाना करना। इसके बारे में मैंने एक ब्रोकर से पूरी इन्फॉर्मेशन ली है। इसकी धुन मैं रिकॉर्ड करके लाया हूँ, तुम टेप ऑन करो और फिर तमाशा देखो। ये सब वो क्या है, वो क्या है कि कॉलेज में ड्रामा है ना, रिहर्सल कर रही थी। ये सब स्टूडेंट है क्या? हाँ, मेरे साथ रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा चल मेरे साथ। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा बता मुझे, किसने भेजा तुझे यहाँ? बता वरना बता। छोड़ो मुझे, मुझे मारने से पहले सच्चाई तो सुन लो। उस दिन जब तालाब पर मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। मुझे पता चला तुम शादीशुदा हो तो मैं गांव छोड़कर जा रही थी। उस समय तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें और अभी को अलग करने के लिए पैसों का लालच दिया। अगर मैं मना करती तो दूसरा कोई पैसे लेकर सचमुच ही तुम दोनों को अलग कर देता था। तुम्हारी पत्नी नाराज होकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए, इसीलिए ये नाटक किया था। सुपर्ब सासुमा, इस दुनिया की पहली महिला साइंटिस्ट, पहली महिला पुलिस और पहली महिला ऑटो ड्राइवर। इस तरह का चरित्र बनाए हुए महिलाओं के बीच में खुद के दामाद को एक लड़की सप्लाई करने वाली आप पहली सास हैं। ए, तो कुछ भी कहो ना, मुझे परवाह नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को तुमसे अलग करवाना चाहती थी और वो मैंने कर दिया। अब तू कपूर हाथ में जलाकर भी जाएगा ना तो वो तेरा यकीन नहीं करेगी। मैं कहूंगा तो नहीं मानेगी, मगर आप जो कह रही हैं वो तो मान लेगी ना अभी। मैंने आप पर कितना भरोसा किया लेकिन आपने उसका कोई मान नहीं रखा। ये भी शुरू हो गई, माँ बेटी की शक वाली आदत कब छूटेगी? चंपा बताइए सब कुछ।
मम्मा मुझे एक शक है, मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ ना? तो सासू माँ टाइम क्या हो रहा है बताएंगी? कल सुबह 12 बजे से पहले मेरी बेटी तेरे मुंह पर थूक कर नहीं आई ना तो मेरा नाम भी महालक्ष्मी नहीं। बच गए 12 क्यों? दिन के समय कंधे में रखने वाली शॉल को डैडी रात को अपना मुंह छुपाए चोरी से कहाँ जा रहे हैं? मिडनाइट वाला मैटर होगा, देखकर ही रहूंगा। लक्ष्मी, ज्योति लक्ष्मी, ऐसे क्या देख रही हो? पेट भर के फ्राइड राइस नूडल्स खाने के बाद भी पुराना चावल जैसा मजा और किसी में नहीं आता। ए, ऐसे क्या खड़ी है, नाच ना। सरपंच का इस तरह का भी कनेक्शन है? आपने जिस तरह की गलती की थी वो सारा दोष मैंने अपने पर ले लिया, उसी की वजह से मुझे गांव से निकाला गया। ये सब कुछ मैं सहती रही। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया था उस बच्चे को आपने नदी में बहा दिया। माँ, माँ, जिस माँ की तलाश में मैं भटक रहा था वो माँ यहीं पर है। उस समय मैं पीक पर थी, अब मैं वीक हो चुकी हूँ। प्रेशर, शुगर, नमक, हल्दी, मिर्च, इन सभी चीजों की दुकान मेरे शरीर में है। मैं कैसे नाच सकती हूँ? अब आप ही बताइए, इस हालत में मैं कैसे नाचूं? तुझसे बोलूंगा तो तू सुनेगी नहीं। तुझे मार खाने की आदत हो गई है, ले अब मार खा। ए सरपंच, अब अगर मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा? कौन हो तुम? तुझे माँ कहकर बुलाया तेरा दादा थोड़ी होगा, तेरा सगा बेटा है। माँ, बेटा, माँ, आप कैसे इस गंदे आदमी के चक्कर में आकर फंस गई? मैं इस गांव में नौटंकी करती थी। माँ, मेरा नाच देखने के लिए ये आए। पैसा देने की जगह जायदाद के पेपर दे गए। क्या जायदाद के पेपर दे दिए थे? हाँ बेटा, और फिर इन पर भरोसा करके इनके साथ रहने लगी। फिल्म की हीरोइन की तरह इनके इशारे पे नाचने लगी। अरे पापी, तूने मेरी माँ पर इतना जुल्म ढाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर एक दिन कहा कि राखी सावंत की तरह नाच कर दिखा, और जब मैं नहीं नाच पाई तब इन्होंने बेटा लोहे के सरिये को गर्म करके मेरे हाथों को दाग दिया, मेरे पैरों को जला दिया। मैं तड़पती रही, चीखती रही, पर इन्होंने नहीं सुना। और फिर एक दिन मल्लिका शेरावत की तरह नाचने को कहा, और जब मैं नहीं नाच पाई तो बताऊं क्या किया? ये उस तरह नाच नहीं पाई तो मैंने इसकी आंख में राख डाल दी बस। अरे पापी, मन तो करता है कि तुझे जान से मार दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, ये कैसे भी हो मेरे पति हैं। देखा पतिव्रता पत्नी को, मैं जो कह रहा हूँ सुनो, अब आज के बाद सरपंच बन के गलत न्याय करना छोड़ दो और 24 घंटे के अंदर मेरी माँ के साथ रह के उनकी सेवा करो। ऐसा नहीं होगा, जेंटल सरपंच का फैसला है, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि आज से मरने तक तुम्हारी माँ के साथ ही रहूंगा। मुझे बहुत खुशी है बेटा, तेरी माँ की एक और इच्छा है। हाँ कहो ना माँ। मेरी पत्नी को नारियल पानी के अंदर जीन मिला के पीने की आदत है, जाओ तुम जाके लेके आओ। चुप करो जी, मैं चाहती हूँ मेरी नौटंकी की कला तू सीखे और पूरी दुनिया को दिखाए, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी औरत की इच्छा तू जरूर पूरी कर, क्योंकि गांव की सभी लड़कियाँ नाचेगी तो उन लड़कियों में लेटेस्ट फिगर को ये सरपंच जरूर अपना बना लेगा। चुप करो जी। महालक्ष्मी, तुम ये सोच रही थी ना कि वो लोग तुम्हारे जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं? उसने आपके फेंके हुए हर पासे को पलट के रख दिया, चंपा रानी को भी भेजा पर वो भी खत्री के साथ मिल गई। मुझे लगता है कि वो अभी को आपके साथ बैंकॉक नहीं भेजेगा। आप 14 साल पहले अपने पति के गुजरने के बाद यहाँ से चली गई थी, तो आज अपनी बेटी के बिना ही यहाँ से चली जाएंगी? नहीं, मुझे हर हालत में अपनी बेटी मुझे वापस चाहिए, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े।
हेलो, मैं महालक्ष्मी जी के घर से बोल रही हूँ। मालकिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। एसिडिटी हो गई होगी, इतना क्यों घबरा रही है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी गाड़ी बाहर है, जाओ जाओ जाकर डॉक्टर को बुलाओ, जाओ जल्दी जाओ जाओ। वहाँ जाने की क्या जरूरत है, एक फोन कर लेती तो डॉक्टर खुद आ जाता। अरे सभी लाइनें व्यस्त है, तुम गाड़ी लेकर जल्दी से जाओ और जाकर डॉक्टर। सासू माँ, जब से आया हूँ आप गाड़ी गाड़ी कर रही है, गाड़ी में ऐसा रखा क्या है आपने, कुछ खास चीज है क्या? जल्दी जाओ दामोद जी, जाओ मैं मर जाऊंगी। तो ठीक है, चलिए आपको गाड़ी में ले चलता हूँ। वो क्या है, मैं यहाँ से जाऊंगा तो एक घंटा लगेगा, डॉक्टर को लाऊंगा तो एक घंटा लगेगा, उससे अच्छा ऐसा करता हूँ कि आपको साथ ले चलता हूँ, चलिए। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, ये मैं मर जाऊंगी। आपको उठने की क्या जरूरत है, मैं आपको उठा ले चलता हूँ। मुझे छोड़ दो, रहिए मत सासुमा, डॉक्टर को यहाँ लेकर आओ, कुछ नहीं होगा, चलिए आप ठीक हो जाएंगे सासुमा, रहिए मत। छोड़ दो मुझे, शांत रहिए। सासुमा, आपको टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है? हट जाएगा तो डर लग रहा है, मतलब? मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ। सासुमा, हम दोनों एक साथ जाएंगे, ऐसा आपने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा, है ना? हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा हूँ, आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा लगेगा? नहीं नहीं, 5 मिनट में पहुंचा दो, अगर कहीं छोटा हॉस्पिटल दिखे तो भी चलेगा, गाड़ी रोक देना। क्यों सासुमा, 5 मिनट बचे क्या? बस पहुँच जाएंगे सासुमा। सासुमा, मैं कब से देख रहा हूँ कि आप अपनी घड़ी को बार बार देख रही हैं। कोई बॉम्ब फटने वाला है क्या? चिंता मत कीजिए, मंजिल पर जरूर पहुँच जाएंगे। मेरा दर्द बंद हो गया, मैं अब ठीक हो गई हूँ। अच्छा, मैं नॉर्मल हो गई हूँ, अब हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। नहीं सासुमा, दर्द वापस आ सकता है, हॉस्पिटल नजदीक है, चेकअप करवा लेते हैं। मैं अपनी तबीयत के बारे में जानती हूँ ना, गाड़ी रोक दो। मैं भी आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, गाड़ी नहीं रुकेगी। मैं कह रही हूँ ना, गाड़ी रोक दो। मैंने बोला ना, गाड़ी नहीं रुकेगी। मैंने कहा गाड़ी रोक दो। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? मैंने कहा गाड़ी रोक दो। रोक दी। सासुमा, सासुमा कहाँ जा रही है? अरे सासुमा कहाँ जा रही है आप? आपने मेरे अंकल को खूनी कहा था ना, अभी आपने क्या किया? आप जानती हैं मैंने आपकी बेटी से शादी क्यों की, ताकि दोनों परिवार के लोग एक हो जाएं। जब आपने अपने ही दामाद को मारना चाहा, तो मेरा आप पर से भरोसा उड़ गया। इस दुनिया में आप अकेली ऐसी नहीं है, आप जैसे बहुत लोग हैं जो एक दूसरे के परिवारों के दुश्मन हैं। ना हम उनके घर जाते हैं, ना वो हमारे घर आते हैं, पूरी जिंदगी एक दूसरे को नहीं देखते। आप उनसे जाकर पूछेंगे कि दुश्मनी का कारण क्या है,
कहेंगे शादी की पत्रिका में नाम नहीं डाला, गृह प्रवेश किया तो निमंत्रण नहीं दिया, फंक्शन की पहली पंक्ति में इज्जत से खाना नहीं खिलाया। ऐसी छोटी मोटी वजह को ये लोग बड़ा करके सारी जिंदगी एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर 5 मिनट दोनों परिवार एक साथ बैठ जाए ना, तो सारे गिले शिकवे एक पल में दूर हो सकते हैं। विदेशों में रिश्तों को 2 मिनट में अंकल आंटी कह के खत्म किया जाता है, मगर यहाँ माताजी, पिताजी, जीजाजी, बहन, भाई, दीदी, चाची, चाचा, नानी, नाना, दादी, दादा, काकी, काका, छोटा भाई, बड़ा भाई, कितने सारे रिश्तों को यहाँ संभाला जाता है सासू माँ। और अब उसी मिट्टी की पैदाइश होकर इन संस्कारों और रिश्तों को भूल गई और यहाँ से जाना चाहती है। वहाँ अकेले रहकर आपने क्या पा लिया सासू माँ? यहाँ मेरे दादाजी ने अपनी बेटी से अलग रहकर कितनी तकलीफें सही हैं ये पता नहीं है आपको। चिंता मत कीजिए, अभी को आपके पास भेज दूंगा। जब उसने तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसी वक्त से हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग तुम्हें बचाने के लिए ही यहाँ पर आए। ये तो अच्छा हुआ कि बम फटने से पहले ही आप गाड़ी से उतर गई, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। आपको तो सच में भगवान ने बचा लिया भाभी। आप बिल्कुल चिंता मत करना भाभी कि वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया है। आपसे डर कर ही वो अभी को भेजने के लिए तैयार हुआ। इससे पता चलता है कि उसने अपनी हार मान ली है भाभी। वो नहीं हारा, मैं हार गई हूँ। मैं अपनी बेटी को उसके पास छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। हेलो हेलो दामाद जी, वो तीनों लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सासू माँ, अभी तक ये नाटक बन नहीं क्या? आपने आपसे कहा ना आपकी बेटी लौटा दूंगा। अरे बाप रे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये लोग सचमुच मुझे मार देना चाहते हैं। मेरी बात पर भरोसा करो। हेलो 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 दामाद जी, हेलो 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 सासू माँ, आपको कितनी बार समझाऊं मैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फोन रख दीजिए। तेरे और तेरे भाई के बीच में दुश्मनी है ना, इसका फायदा उठाकर हम तुझे जान से मार देंगे और इल्जाम तेरे भाई के ऊपर आएगा। हम उसे जेल जाने पर मजबूर कर देंगे जैसे हम गए थे। अगर हमने सोच लिया होता तो जेल से निकलते ही तेरे भाई को मार दिया होता। हम लोग उसे 5 मिनट के अंदर ही मार देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते थे वो हमारी तरह ही घुट घुट के जिए, इसीलिए तुझे मरना होगा। ए! उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मेरी बहन एक खूनी नहीं हो सकती। तुम दोनों एक ना हो सको, इसकी मैंने कितनी कोशिश की। दोनों गोली चलाकर जिंदा जला दो। Oh, my God.
अभी क्या कर रही हो? रंग जरा ठीक से भरो। क्यों दामाद जी, ये रंगोली आपने बनाई है? वो क्या है कि आप वो चैलेंज हार ना जाएं, इसलिए मैंने ही हमारे घर के सामने सजावट कर दी और इस तरह हमारी वो शर्त आप ही जीत गई। ए, रुको रुको रुको, फैमिली में फाइनेंस टाइट है, जो सब लोग हाथ में कटोरा लिए बाहर खड़े हैं। अरे तुझे दिखता नहीं हम लोग रंगोली बना रहे हैं? ओ, रंगोली है माँ? ओ मैडम, आप तो वैसी थी, कैसे बदल गई? तू भी तो बदल गया है। हाँ जी हाँ, मेरी माँ ने ये कला सारी दुनिया में फैलाने को कहा है, इसलिए मैंने ये उतार लिया है। वैसे ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा तो है, लेकिन अर्जेंसी में बाथरूम आएगा तो पैंट को उतारने में आधा घंटा लगता है। अब कहाँ जा रहा है? अभी सोलापुर में नौटंकी करने जा रहा हूँ। जो मेरे साथ डांस करती है उसका घुटना निकल गया है। अब क्या करेगा तू? नानी को ले जाऊँ सोच रहा हूँ। किसे नाचने के लिए बुला रहा है तू? नाचने के लिए तो कह रहा हूँ, क्यों इतना चिल्ला रही है तू? क्या नानी, हमारे साथ नाचने में नानी मर जाएगी? शर्म आ रही है। तुम नहीं आती तो महालक्ष्मी तुम आओगी क्या? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या क्या बोला? ये कभी नहीं सुना। एक मिनट रुको, नाचना है? हाँ? नाचोगे? हाँ? शुरू करो। We'll be right back.